शिव योग। हमारे जूनागढ़ में शिव योग का एक मंत्र देकर एक न केवल आध्यात्मिक क्रांति लेकिन सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति के धरोहर हमारी कृषि क्रांति में एक नया एक आयाम जुड़ा है। हम आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं स्वामी जी। हम पर सौभाग्यवान है कि आज बाबा जी हमारे साथ है। जो साइंटिस्ट यहाँ पे हैं वो आपके शिव योग के बारे में और शिव योग से कृषि क्रांति में कृषि में आई परिवर्तन के बारे में और आपके आशीर्वचन पाने के लिए आए हैं। शिव योग के द्वारा थ्री डायमेंशन वर्ल्ड में हम जीते हैं लेकिन जो महापुरुष है आध्यात्मिक पुरुष है वो चौथा और पांचवा डायमेंशन में भी जी लेते हैं। आना जाना रहता है और वो जो देखते हैं वो हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। आज वो जो दिखाते हैं वो हमें देखना है। आज वो घड़ी आ गई, वो पल आ गई हमारे पास कि बाबा जी आज हमारे बीच है। यूनिवर्सिटी ऑन बिहाफ ऑफ माय वाइस चांसलर ऑल ऑफ यू एंड ऑल द माय यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट आई एम वेलकमिंग बाबा जी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाबा का स्वागत हम करतल धनी से करें प्लीज। नमः शिवाय। हमारे भारतवर्ष की जो वैदिक युग रहा है उस समय की साइंस बहुत विकसित थी। आज भी वेदों के ऊपर अनुसंधान हो रहे हैं। जर्मन में तो बहुत किया जा रहा है, हर क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो, या जो भी क्षेत्र है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन प्राचीन प्रतिलिपियाँ मंदिरों से वो स्कैनर ला कर के लेके जा रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। भारतवर्ष में इतना ज्ञान और इतनी शक्ति छिपी हुई है कि यदि उसको विकसित किया जाए तो पूरे विश्व का हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। मेडिकल साइंस बहुत विकसित हुई लेकिन रोग का निदान करने में सक्षम नहीं हुई, सिम्टोमेटिक रिलीफ हुआ। और जब वो वैदिक ज्ञान, वो शिव योग का ज्ञान जब मॉडर्न मेडिसिन में जोड़ा गया तो डॉक्टरों ने पाया कि वो मेडिकल साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो असाध्य रोग थे वो भारत का एंशियंट विजडम शिव योग और मॉडर्न मेडिसिन को जब जोड़ा उन्होंने तो रिजल्ट आने शुरू हो गए कि असाध्य रोग साध्य हो सकते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो है कृषि का क्षेत्र, जो एग्रीकल्चरल फील्ड है। इसके बारे में बहुत कुछ आप तो बहुत ही वैज्ञानिक हैं लेकिन हम जो शिव योगी हैं हम साधना के द्वारा जो अनुभव करते हैं और उसी से ही जो कॉस्मिक माइंड, जो यूनिवर्स से जो मैसेज आते हैं हम लोग उस पे काम करते हैं। जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ
आई एम गाइडेड बाय द हायर कॉन्शियसनेस, कि वो जो चीज हम भूले बैठे हैं उसको हम समझें। और मैं जो भी आपको बताऊंगा शिव योग, उसको विज्ञान के संदर्भ में बताऊंगा, जिससे जैसे अभी उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि लॉजिक माइंड, क्योंकि जो मनुष्य का मन है उसका 4% भाग कॉन्शियस माइंड है और उसमें एक हिस्सा तर्क का है, लॉजिक माइंड की प्रूफ करो, लेकिन जो सर्वशक्तिशाली है वो है 96% सबकॉन्शियस। तो हम जो योगी हैं हम 96% माइंड पावर से काम करते हैं और 4% से भी करते हैं, इसलिए वो जो तर्क का उत्तर जो है, जो साइंटिफिक प्रूफ का भी जो हिस्सा है, मैं उसमें भी आपको सेटिस्फाई करूँगा और आपको वो कैरिकुलम देके जाऊँगा जो आप करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही अचीवमेंट्स होंगे इसके अंदर। जो सबसे पहला चीज, क्योंकि मैं जो साइंटिस्ट से मिला, हम लोग पॉजिटिव से बात शुरू करते हैं, लेकिन जो इश्यूज हैं, जो एक बर्निंग इश्यूज हैं, उसकी बात कर लेता हूं मैं। फॉर ए चेंज आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव एस्पेक्ट एंड देन आई विल कम टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट। जो वैज्ञानिक है वो जानते हैं, बाकी नहीं जानते, कि आधुनिक खेती जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का जो प्रयोग हो रहा है उससे धरती बंजर होती जा रही है। यस और नो, एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं तो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो बताइएगा, क्योंकि मैं तो अंदर की किताब पढ़ के जो साधना के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ मैं वही बोल रहा हूँ, बंजर होती जा रही है और एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी। उसका कारण भी है क्योंकि जब आप पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं तो बहुत सारे सहायता करने वाले जीव, भवरे, तितलियां, हनीबीज, वो सब मरती जा रही हैं, पोलिनेशन नहीं होगा, इसलिए आम के पेड़ कटते जा रहे हैं, काटने पड़ रहे हैं लोगों को, जमीन बंजर हो जाएगी और उपज दिन बर दिन कम होती जाती है। आप मानते हैं कि नहीं? जहाँ आप बहुत ज़्यादा रसायन खाद डालते हैं वहाँ उतने से काम नहीं चलेगा, अगले बरस और डालनी पड़ेगी और करते करते वो पूरी धरती बंजर हो जाएगी। दूसरा, आपके पास उपकरण हो तो आप थोड़ा सा स्टडी करिएगा, जो खेत हैं जिसमें आप ये रसायन किसान डालता है वहाँ एक कॉन्टिन्यूस गैस एमिट होती है, एक गैसेस जो हैं वो एमिट होती हैं। हम लोग जो शिव योग है उसमें हम योग, नाद और ज्योतिर्मय, ये तीन अवस्थाएं हैं, किसी भी सब्सटेंस की तीन अवस्थाएं हैं, योग, नाद और ज्योतिर्मय, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। योग यानी कि जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक हेल्दी कॉन्फ़िगरेशन, नाद इज द साउंड, ज्योतिर्मय इज द लाइट, और ये जो गैसेस एमिट हो रही हैं अगर इसको आप सूक्ष्म, आपके पास उपकरण हो साउंड वेव फ्रिक्वेंसी को नापने के, तो दे आर पर्टिकुलर साउंड्स जो कि एमिट हो रहा है सारे खेतों में,
जो कि डिस्ट्रक्शन का साउंड है. दे आर साउंड ऑफ लाइफ एंड द साउंड ऑफ डिस्ट्रक्शन. और वो जो गैसेस एमिट हो रही हैं वो ज्योतिर्मय नहीं है, दे आर डार्कर एनर्जीज. डार्कर एनर्जीज है. और जो पर्यावरण में डिस्टर्बेंस जो आ रहा है इसके ऊपर भी आप स्टडी करना कि जो 60% वास्ट एरिया इंडिया में एग्रीकल्चरल फील्ड है और 60% एग्रीकल्चरल फील्ड में जब केमिकल और पेस्टिसाइड्स डाला जाता है, इंडिया इज व्यूड एज ए बिग मार्केट फॉर दिस. पर मैं थोड़ा सा इसमें अचिंतन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को इसलिए कहूँगा क्योंकि यू आर द रेफरल पॉइंट. आप जो कहोगे किसान तो वही करेगा. तो वो जो गैसेस एमिट हो रही हैं वो वायुमंडल में ऊपर जाकर के जो बरसात है, जो एक वेदर जो डिले हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग ऑन द इंक्रीज. दूसरा, जब बरसात होती है तो बरसात का पानी वॉश करता है जमीन को और उसमें वो केमिकल्स, वो जहर, पेस्टिसाइड इज पॉइजन. आप कहते हैं बच्चों की रीच से दूर रखना, उसके इट्स ए डेडली पॉइजन. वो पानी में धुलता है, वो नदियों में जाता है. तो जितनी पोल्यूशन फैक्ट्रियां कर रही हैं, मैं एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, कहीं उससे ज़्यादा फॉल्टी एग्रीकल्चर तो नहीं कर रहा पोल्यूशन जो है? वी बिकम द रूट कॉज ऑफ पोल्यूशन. नदियां विषाक्त हो रही हैं और ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो डिस्टर्ब होगा, आप कितना भी जेनेटिकली मॉडिफाई कर लें सीड्स को, कितना भी आप रसायन बना लें, डिस्ट्रक्शन होगी. तीसरा जो है, फसलें उजड़ जाती हैं. थोड़ा सा इस पे देखने की बात है कि कहीं जो क्रॉप्स हैं उनकी ताकत तो कम नहीं हो गई है? आर दे वीकर क्रॉप्स? फिजिकली दे लुक बिगर और वट एवर, लेकिन वो इंटरनली क्या वो वीकर तो नहीं है कि थोड़ा सा पर्यावरण में चेंज आया तो फसल नष्ट हो गई? तो ये जो है नेगेटिव एस्पेक्ट, जो चिंता का विषय मैंने बताया. अब मैं बताऊंगा कि शिव योग क्या करता है. अब उसके साथ साथ एक और चिंता का विषय है और वो है हाइब्रिड सीड्स, जो संकर किस्म के बीज जो बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं. दो फैक्टर हैं, एक तो एग्रीकल्चर बढ़े, और एग्रीकल्चर करेगा क्या? भोजन देगा. और भोजन क्या देगा? खाने वाले जो नागरिक है उसको स्वास्थ्य देगा. ये चीज़ हमको समझनी होगी कि जिस सॉइल का, जिस जमीन का बीज अगर होगा वो कंपैटिबल होगा वहाँ के लोगों के बॉडी, वहाँ के लोगों के सिस्टम के अनुरूप. इसलिए आपने देखा होगा कि जितने विकसित देश हैं वो कोई भी सीड इंपोर्ट नहीं करते. और दे डू, करते हैं कि नहीं करते? हम करते हैं कि नहीं करते? हम करते हैं. और दे आर नॉट कंपैटिबल टू आवर सॉइल. आप इस चीज़ को ध्यान में रखें. फसलें क्यों खराब हो रही हैं? क्योंकि जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम सीड, वो उगा है किसी और एनवायरनमेंट में, उसके बाद लेबोरेटरी में उसको जेनेटिकली जो मॉडिफाई करते हैं उसको मैं बोलता हूँ जेनेटिकल टेम्परिंग. जेनेटिक टेम्परिंग करी है उन्होंने. तो अभी तक हमारे सारे बीज जो नॉर्मल बीज थे हमारे, अब हमारे पास जो चैलेंज है
जितने नॉर्मल बीज थे वो है ही नहीं अब हमारे पास, वी डोंट हैव दैट लेट अस से। दूसरा चैलेंज है कि हमने जमीन को जैसा करना था कर दिया है। तीसरा चैलेंज है कि कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज नाउ इंक्रीजिंग। पहले किसान का कोई खर्च नहीं होता था, आज की तारीख में उसको महंगा बीज खरीदना पड़ेगा, उसको महंगा केमिकल फर्टिलाइजर खरीदना पड़ेगा, फिर उसकी फसल जो है वो बीमार होएगी तो उसको स्प्रे करना पड़ेगा एंड दैट्स एक्सपेंसिव। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वो तो जो किसान है वो फार्मिंग नहीं कर रहा, ही इज कमिंग इन द क्लचेस ऑफ एन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इस प्रोसेस को चैलेंज है रिवर्स कैसे करना है, हाउ टू रिवर्स द प्रोसेस। रिवर्स द प्रोसेस मीन्स जो बीज हैं जो जेनेटिकली टेम्पर्ड हो गए हैं उसको कैसे हम वापस लेके आए। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है और इट्स ए रिवार्ड, उसको डबल या दुगने से ज़्यादा कैसे किया जाए। सबसे पहला शिव योग कर सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दुगनी से, कई किसानों ने तो 8 गुना तक कर दी है। अब अलग अलग किसान के ऊपर है, किसी ने 1.5 गुना करी है, किसी ने 2 गुना करी है, लेकिन बड़ी तो है 100% हर जगह पर। ऐसा नहीं हुआ कि खेती जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बड़ी नहीं, ये तो 100% बड़ी है। ये हो गया। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर वो कैसे कम करें। सबसे बड़ी कॉस्ट है पेस्टिसाइड्स की। ये शिव योग की जो साधना के द्वारा जो एग्रीकल्चर हम करते हैं, इसमें कोई भी बीमारी पहली बात तो लगेगी नहीं, क्योंकि वो जो पौधे होंगे, जो प्लांट्स होंगे, वो इतने स्ट्रांग होंगे, उनका हेल्थ इतनी ज़्यादा होगी, उनके अंदर जो लाइफ फोर्स एनर्जी, जो प्राण ऊर्जा इतनी ज़्यादा होगी। याद रखिए, प्राण ऊर्जा अगर कम हुई तो बीमारी आएगी। इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड डिकेइंग। क्योंकि अगर फसल काट के फेंक दीजिए तो कुछ समय के बाद वो सड़ना शुरू कर देगी, सड़ना शुरू कर देगी, दैट इज ए नेचुरल प्रोसेस, डिकेइंग प्रोसेस। और वो डिकेइंग क्यों हुआ, क्योंकि उसमें अब लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण ऊर्जा नहीं है, इसलिए वो डिके होगा। लेकिन जब फसल खड़ी है तो वो सड़ेगी नहीं। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? ये थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप उस विजन को थोड़ा ब्रॉड करें। वो सड़ेगी नहीं, लेकिन अगर फसल खड़ी कर दी आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को, मैं फिर यूज करूंगा जेनेटिकली टेम्पर्ड सीड्स को, तो उसकी जो प्राण ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। आपके पास इंस्ट्रूमेंट आप डेवलप करिए जिसमें प्राण ऊर्जा कितनी है, क्योंकि इट इज़ ए एनर्जी जो कि मनुष्य खाता है, इज ए एनर्जी। प्राण ऊर्जा अगर कम होगी तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, रोग फटाफट लगेगा उसके अंदर। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि फसलों को रोग लग रहा है। तो पहला जो हमारे पास काम करने का वो है कि फसल दुगनी हो, जिससे किसान को आर्थिक लाभ हो। दूसरा, उसकी कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर वो कम हो। तो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर जब शिव योग की पद्धति वो अपनाता है तो पेस्टिसाइड की उसको जरूरत नहीं पड़ती। ये भी देखा गया है, आपको मैं दिखाऊंगा कि जहां कीड़ा लग गया फसलों में, जहां ऑलरेडी वो खेती कर रहा था, बीच में उसको शिव योग का ज्ञान मिला, और जहाँ कीड़ा लगा वहाँ उसने जब शिव योग का प्रयोग किया तो वो कीड़ा गायब हो गया।
सात दिन के अंदर अंदर वो कीड़ा गायब हो गया। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम भारतीय पद्धति के द्वारा भी जो है स्प्रे वगैरह करते हैं, पंचगव्य वो एक पद्धति रही है। अब मैं आपको एक आसान पद्धति बता रहा हूँ, वो स्प्रे जो कि शिव योग का स्प्रे है, दैट इज़ अ कॉस्मिक स्प्रे। वो जब शक्ति दूंगा, जहाँ आप उसको करेंगे एकदम फसलों की लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ जाएगी और उसके अंदर से बीमारी खत्म हो जाएगी। अब दूसरा, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर कम करने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। वैसे तो पहले साल से ही लोग जो है केमिकल खाद डालना बंद कर देते हैं या थोड़ी कम करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी सॉइल कितनी ज़्यादा डैमेज हुई है। तो हम उससे कहते हैं कि एक खेत आप जो है बगैर रासायनिक खाद के आप उसको सिर्फ शिव योग डालिए, और दूसरे में आप अपना रसायन डालें और तब आप नापिए। जो खाद नहीं डाला और शिव योग डाला है तो आप देखोगे कि वहाँ अगर आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डबल या डबल से ज़्यादा हो जाती है तो आपको रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत नहीं। तो ये उसका पैसा बच गया, पहला स्प्रे का, दूसरा ये। तीसरा जो है, अगर वो शुरू से जब शिव योग खेती करता है तो ये देखा गया है कि वो जो प्रोड्यूस आता है वो बहुत हाई क्वालिटी का आता है। जो सोयाबीन करी उन्होंने बताया किसानों ने, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो मैंने बताया कि अपना बीज आप खुद पैदा करो, क्योंकि आप क्यों कर रहे हैं उसके ऊपर जेनेटिकल वर्क क्यों कर रहे हैं, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं। मैं शिव योग के द्वारा आपको, मैं ये रिसर्च का एक पॉइंट दूंगा कि एक महीना पहले आप उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नाप लेना सीड का, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और उसके बाद उसके ऊपर प्रतिदिन एक महीना शिव योग शक्ति देना, आप देखोगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल गया। यू आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वो जो मॉडिफिकेशन आप कर रहे हैं और उसके बाद वो जो मॉडिफिकेशन होगी सीड के अंदर वो नेचुरल होगी, वो उसके अंदर जो भी डिस्टर्बेंस आ गई है वो डिस्टर्बेंस दूर होगी। और ये जबलपुर यूनिवर्सिटी में अभी वो पेपर भी आ गया कि उन्होंने जहाँ शिव योग बीज जो है उसका प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि उसके जो क्षमता है, जो उसके अंदर जो शक्ति है, वो और बीजों से कई गुना ज़्यादा है। तो अगर किसान अपना बीज जो आप उसको देते हो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में, आप शिव योग डाल के बीज दे दीजिए और फिर वो जब उस बीज को वो शक्ति डालता रहता है तो अपना बीज वो खुद बना लेगा, और हर बरस उसके अंदर एक एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, तो उसका कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर और कम हो गई, फ्री हो गया बीज, खाद डालनी नहीं है, पेस्टिसाइड डालना नहीं है, फसल डबल हो गई, 50% कॉस्ट कम हो गई और वो डबल हो गया। अब ये होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, इज ए साइंस। और जब हम साइंस की बात करते हैं, एग्रीकल्चरल साइंस की बात करते हैं, तो खाली एग्रीकल्चर में ही हम नहीं रहते, साइंस इज ए टोटालिटी। जब हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो खाली मेडिकल साइंस की बात नहीं करते, इज ए ऑल अदर एंगल्स ऑफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द साइंस, इट्स ए टोटालिटी। तो ये जब एग्रीकल्चरल साइंस की मैं बात करूँगा तो मैं क्वांटम फिजिक्स की भी बात करूँगा, मैं वाइब्रेशंस की भी बात करूँगा, मैं साउंड की भी बात करूँगा, मैं लाइट की भी बात करूँगा और मैं लाइफ की भी बात करूँगा, जीवन की भी बात करूँगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जो सॉइल है, आप सॉइल टेस्टिंग करते हैं
तो क्या क्या टेस्ट करते हैं, मुझे थोड़ा सा मुझे भी बताइए, मैं भी सीखूंगा। अब एक एक जमीन है, कितनी उपज शक्ति है, तो कैसे टेस्ट करते हैं? तो उसमें नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फरस कितना है, पोटास कितना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं, कैल्शियम, फेरस, जिंक, बोरॉन, मोलिब्लेडम, वैसे टेस्ट करके बताते हैं कि कितना नाइट्रोजन कम है कितना डालना है, कितना फॉस्फरस कम है कितना डालना है, कितना पोटास कम है डालना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना कम है तो वो कितना डालना है, ये हम बताते हैं सोयल एनालिसिस के जरिए। बहुत सुंदर। अब मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, ये तो हो गया केमिकल एनालिसिस, अब थोड़ा सा हमको ये स्टडी करना होगा, जब हम लाइफ की स्टडी करें तो उसमें केमिकल्स को सेकेंडरी रोल दें, लाइफ को प्राइमरी रोल दें। आप जो सॉइल है उसको माइक्रोस्कोप से अगर आप देखें तो उसमें कुछ जीव दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं, बताइए, कुछ अलाइव कुछ दिखता है? हाँ, कि बैक्टीरिया भी है, नेमेटोड्स भी है, हाँ, क्रोमी भी है। अब मैं चाहता हूँ कि जो शिव योग फिलॉसफी है, क्योंकि जो हम शिव योग में करेंगे हम केमिकल्स, क्योंकि जो केमिकल्स या जो भी कुछ है प्रोड्यूस, ये सूक्ष्म जीवों से होता है, ये एक और साइंस है, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसके ऊपर रिसर्च करिएगा। ये जो जीव है आप माइक्रोस्कोपिकली उन जीवों को देखना, जो प्रकृति है, जो वैदिक ज्ञान है, जो यजुर्वेद में लिखा है, जो हम लोगों ने उसको क्लियर वाइंट ले, क्योंकि हम आंख बंद करके आप भी देख सकते हैं, जो आपकी थर्ड आई है उसके द्वारा आप देख सकते हैं सॉइल के अंदर। प्रकृति ने 3% जीवन देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से दे रखे हैं, और 97% जीवन देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो सूक्ष्म अवस्था, वो डोरमेंट फॉर्म में है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? उसी तरीके से द डिकेइंग प्रोसेस इज ए साइमल्टेनियसली, जो डिकेइंग होता है, जो मारता है, जो खत्म करता है, जो वैसे बैक्टीरिया जो बीमारी लगेगी वो लगेगा तो वो कीड़े जो पैदा होंगे वो खत्म करेंगे उसको, दैट इज अ डिकेइंग प्रोसेस, डिस्ट्रक्शन, जीवन देने वाला और डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन करने वाले जीवाणु उनका भी जरूरत है, क्योंकि फसल अगर काट के उसको वो सड़ी नहीं तो ख़त्म, जानवर मरा तो सड़ा नहीं तो ख़त्म, तो वो डिस्ट्रक्शन वाले भी, और वो तभी पैदा होंगे, जब एक संतुलन है इस चीज का, जहां लाइफ फोर्स एनर्जी कम हुई वहीं वो जीवित होंगे, और जहां लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ी वो डॉर्मेंट फॉर्म में वो चले जाएंगे। 3% डिस्ट्रक्शन वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो भी जीवित कर रखे, 97% वो डॉर्मेंट फॉर्म में है, सुप्त अवस्था में। अब एक अगर ये 3-3 रहेंगे, अगर जीवन देने वाले 3 के 4 हो जाएंगे तो डिस्ट्रक्शन वाले 2 हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं ना? और अगर जीवन देने वाले 4 के बदले 2 हो गए तो डिस्ट्रक्शन वाले जो हैं उनका अनुपात 4 हो जाएगा, और जब आप केमिकल्स डाल रहे हो ऑन द बेड ऑफ द अर्थ तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो जीवन देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर डाइंग कॉन्टिन्यूसली, वो मर रहे हैं, इसी की वजह से धरती बंजर हो रही है। आप क्यों, अब व्हाट इज द रीजन कि आप पे जो केमिकल खाद यूरिया डालते हो, पहले बरस इतने में काम चलता है, फिर इतने में चलता है, फिर इतने में चलता है, फिर इतने में भी नहीं चलता, क्योंकि वो जो लाइफ गिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और अभी हमने पेस्टिसाइड्स के साथ वीडीसाइड भी यूज शुरू कर दिया, एक बहुत ही बगैर सोचे हुए हम एक काम कर रहे हैं,
लेकिन जो कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आप, क्योंकि जब आपके उपकरण विकसित हो जाएंगे, आप जो मैं कह रहा हूँ आप उसको बिल्कुल नाप के देख लेना, अभी अगर हो अभी नाप के देख लेना। तो जहाँ वो डिस्ट्रक्शन वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़े, जीवन देने वाले कम हुए, वहाँ रोग आएगा ही आएगा फसल में। रोग आ गया, आपने और केमिकल डाले और जीवन देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मार दिए, इस बारी तो फसल में थोड़ा बचाव हो गया। आजकल आपने देखा होगा कि स्प्रे करने के बाद भी फसलें खत्म हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं मुझे बताइए, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हमें होलिस्टिक अप्रोच, भारतीय पद्धति रही है होलिस्टिक, HOLY, और HOLY इज ए होलिस्टिक, WHOLY, होलिस्टिक होलिस्टिक। तो जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है हमारे भारतवर्ष में, आप पूरे विश्व को सिखाइए होलिस्टिक होलिस्टिक शिव योग अप्रोच, मतलब कंप्लीट। ये खाली केमिकल एनालिसिस नहीं होगा, सॉइल टेस्टिंग इज कंप्लीट, उसके अंदर जो है वो कितने पुष्ट पोषण देगा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब आप इसको टेस्ट कर लेना माइक्रोस्कोप के द्वारा, थोड़ा जो है जो मेडिकल साइंस में जो वो स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स वाले, उनको भी साथ में जोड़िए, और एक सॉइल जंगल की लेके आइए जहाँ कोई भी खाद नहीं डाली, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स देखिए, एक जो जैविक खाद डाल रहे हैं उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स देखें, और एक जो है जहाँ खूब रसायन डाला जा रहा है उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स देखें, यू विल फाइंड अ वास्ट वास्ट डिफरेंस। वहाँ आप कैटेगराइज कर पाओगे कि ये डिस्ट्रक्शन वाले हैं, ये जीवन देने वाले हैं। अब उसके बाद जो योगियों ने, आपने देखा होगा कि योगी कहीं अगर साधना करी तो उसके तपोबल से वो पेड़ हरे भरे हो गए, ये खाली भक्ति की बात नहीं है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि वो जो कॉस्मिक ऊर्जा है, जब वो ध्यान में बैठता है तो वो जो कॉस्मिक ऊर्जा है उससे जो पृथ्वी में जो 97% जो जीवन देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डॉर्मेंट फॉर्म में हैं, वो भी जीवित होना शुरू हो जाते हैं। तो 3 के बदले अगर वो 6% हो गया तो डिकेइंग वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो अपना शांति से बैक पैक करके खत्म हो जाएंगे। और शिव योग का इसीलिए मैंने कहा कि हर बरस, अब शिव योग पद्धति से हम क्या करते हैं, हम कहते हैं किसान को 20 मिनट प्रतिदिन शिव योग शक्ति देनी है खेत में। तो जब वो 20 मिनट शक्ति देता है, ये जीवन देने वाली शक्ति है, हम जब आह्वान करते हैं ना शिव योग की जीवनदायिनी शक्ति, तो ये जीवन देने वाली शक्ति वो जो मर गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको पुनर्जीवन देती है, वो अलाइव होते हैं, वो जीवन उनको मिलना शुरू हो जाता है। और वो जो 3% हैं जो मर गए थे पहले, उनको जीवित करते हो, फिर आप धीरे धीरे टेपर डाउन करते हो केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये जीवन देने वाली शक्तियाँ जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी उतनी ज़्यादा क्रॉप्स होंगी। अब जो किसी ने बहुत सीरियसली साधना करी तो उन्होंने जो गेहूं के बाल की फोटो दिखाई, इट वॉज दैट बिग, इतना बड़ा, ऐसा लगता था जैसे किसी और प्लैनेट से जो है, पता नहीं कितने सेंटीमीटर का वो जो गेहूं की बाल थी, वो फोटो आई मेरे पास जो है। तो वो होगा, ये आज शुरुआत हो रही है, मिरेकल्स होंगे, लेकिन इसको चमत्कार नहीं समझना, ये वैज्ञानिक है। वो जो लाइफ गिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जो जीव हैं जिनको हमने अज्ञानता के कारण उनकी हत्या कर दी, जो भंवरे तितलियां चिड़िया उनकी हत्या तो दिख रही है, लेकिन वो पर्यावरण का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो साइकिल है, वी आर डिस्ट्रॉइंग दैट। और ये जो पूरा साइकिल है, मनुष्य
प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये तीनों अगर पुष्ट होंगे तो सभी कुछ ठीक रहेगा। अगर एक को भी डिस्ट्रॉय किया तो दोनों और डिस्ट्रॉय होंगे। प्लीज रिमेंबर दैट, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो शिव योग की शक्ति जब हम डालते हैं हर बरस, उसके अंदर जो सोए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो देवीय शक्तियां हैं, वो जागृत होंगी। जब वो जागृत होंगी तो आप उसको खूब करने के बाद, आप पहले एक खेत को जो है पोटास वगैरह सब केमिकल एनालिसिस कर लेना, उसके बाद कुछ भी मत करना, सिर्फ शक्ति डालते रहना। एक दो साल के बाद आप उसका केमिकल एनालिसिस करना, इट विल बी परफेक्ट एंड परफेक्ट एंड परफेक्ट, जो भी आपका केमिकल, क्योंकि वो जो केमिकल है एनालिसिस है, जो पोटास और वो जो कुछ भी है, दैट इज अ ग्रॉस लेवल। हम ग्रॉस लेवल पे नहीं चल रहे, हम सूक्ष्म लेवल पे चल रहे हैं। क्योंकि जो शिव योग है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद एटम्स, एटम्स के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उनको भी फर्दर ब्रेक डाउन करो तो बोसोन पार्टिकल, दैट इज अ गॉड कॉन्शियसनेस। जो शिव योग की जो शक्ति है, इट वर्क्स एट द गॉड कॉन्शियसनेस लेवल, और वहां से जब चेंज लेके आती है तो इट इज नॉट ए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लेकिन एटॉमिक कॉन्फिग्रेशन बदलेगी वो। तो ये आप बहुत ही माइक्रो लेवल पे इसको काम करेंगे। ये हो गया सॉइल का जो है। उसके साथ साथ जो बीज है, जब बीज में शक्ति डालोगे तो बीज के अंदर वो जो सोई हुई जीवन देने वाली शक्तियां हैं, या जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, या जो जेनेटिकल डिस्टर्बेंस आ गई है, वो क्योंकि जो सीड है इट्स ए मैटर, यस और नो, मैटर को अगर सीड को जैसे बॉडी के पार्ट्स को सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटा करते हैं, सीड को अगर हम छोटा करते हैं तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल? हाँ जी, सेल, सेल, यस। और सेल से जो है वो जीन्स, जो आप जो भी कुछ करते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, वो सेलुलर कॉम्बिनेशन करते हैं जीन्स के साथ। लेकिन ये जो है, जब शिव योग की शक्ति डालोगे तो सेल्स का जो सबसे छोटा पार्टिकल, सेल किस चीज का बना है? एटम्स का बना है। तो वो जो एटॉमिक कॉन्फिग्रेशन है वो बदलनी शुरू हो जाती है, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदलना शुरू हो जाता है, और वो जो बीज है वो ज़्यादा उत्पाद देता है। अब एक चीज और अगर स्टडी करें तो साइंटिस्ट लेके आइए जो कि क्वांटम फिजिक्स और साउंड के ज़्यादा एक्सपर्ट हों। आप जो पौधा है, आप उसको अगर क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो हर प्लांट एक साउंड वेव को एमिट करता है, साउंड वेव को एमिट करता है। जो सॉइल है वो भी एक साउंड वेव को एमिट करती है। जो हेल्दी सॉइल है उसकी साउंड डिफरेंट होगी, जो हेल्दी प्लांट है उसकी साउंड डिफरेंट होगी। अब हम प्लैनेट्स के ऊपर जाएं, जो सूर्य है इसको तो नासा ने भी स्टडी कर लिया है कि जो सूर्य है एक कॉन्टिन्यूसली वो साउंड प्रोड्यूस करता है, कॉन्टिन्यूसली वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। वो साउंड जो पहला उन्होंने कैप्चर किया है, उन्होंने कहा दिस इज सिमिलर टू ओम, द साउंड ऑफ ओम। और इस चीज को उन्होंने माना है कि जो भारतीय ऋषियों ने जो मंत्र बोले हैं, क्योंकि हम लोग जो भी मंत्र बोलते हैं, जो प्लैनेट्स हैं और जो डिफरेंट डायमेंशन है यूनिवर्स की, उसमें जो जो साउंड प्रेवलेंट है उस साउंड से हम उसको मंत्र बोलते हैं। तो स्थूल शरीर से योग शरीर, योग शरीर से नाद शरीर, नाद शरीर से ज्योतिर्मय शरीर। तो इसमें जो है किसानों को वो सेलेस्टियल साउंड, वो जो हायर डायमेंशन के, वो जो लाइफ गिविंग साउंड है, जो मैंने बीज मंत्र बोले हैं, वो बीज मंत्र का जब वो जप करता है तो जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं वो डोरमेंट फॉर्म में चली जाती हैं,
और जो लाइफ गिविंग शक्तियाँ हैं वो जागृत होनी शुरू होती हैं, क्योंकि वो जो कॉस्मिक एनर्जी जो उसको किसान को, मैं हर किसी को उससे जोड़ देता हूँ, तो उसके शरीर से जो शक्ति का प्रवाह हो रहा है और उसी के साथ मैं उसको बोलता हूँ ये साउंड पैदा करो, ये नाद पैदा करो, ये मंत्र, धीरे धीरे तो ये शब्द होगा, जब शुरुआत होगी ये शब्द होगा, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द जब तीव्रता पकड़ेगा तो ये नाद रूप में, तो नाद रूप जब हो गया तो वही किसान जो है बहुत ज़्यादा जीवन देने वाले जीवाणु अपने खेत में, अपने बाग में, अपने पेड़ों में, अपने फलों में वो पैदा करेगा। इसलिए जो है कोई कीड़ा भी नहीं लगता, उत्पाद ज़्यादा होता है। और वास्तव में जो ये भोजन उत्पन्न होगा, हम बोलते अमृतेश्वरी जो है ये अन्नपूर्णेश्वरी का उत्पाद होगा, जो माँ का, भगवती का जो अस्तित्व है, ये अमृतस्य भोजन जो है इसकी उत्पत्ति होगी, सबका कल्याण होगा खाने वाले का। तो ये एक साइंस है, ये शिव योग की, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्वांटम फिजिक्स एंड द लाइफ फोर्स एनर्जी। अगर आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहे आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ जो है आप करिएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क जरूर पूछ सकते हैं। हाँ नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। आपने जो अपने प्रवचन में दिया है, पहला है जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। मैं मानता हूँ कि जो सौराष्ट्र में आप जो जहाँ बैठे हैं, ये सौराष्ट्र भूमि में जो ये जीनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन जब आया, उसके पहले जो उत्पादन फार्मर ले रहे थे बहुत कम था, और जो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आया है मेरे ख्याल से जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन से हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक जो फार्मर्स को मिला है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ, लेकिन अब मेरा कहना ये है कि एक लेवल तक खींचा जाए, यहाँ तक जब आ गए, इससे ज़्यादा और अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड करा और ऐसे बीज बनाए कि उसको दोबारा लगाएंगे तो पौधा नहीं उगेगा, दैट इज़ ए डेंजरस सिचुएशन। और वहाँ तक जो आप ले आए हो, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उन्हीं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो हैं उसी की प्रोडक्शन हमने बढ़ाई है, और वो जो खेती कम हो रही थी दैट वॉज इग्नोरेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, मैं तो उसके अंदर थोड़ा सा मीठा और घोलने आया हूँ। वो ठीक तो है। और जो दूसरा आपने हाइब्रिड के बारे में बोला है कि हाइब्रिड सीड, मैं समझता हूँ कि जब हाइब्रिड सीड आया तभी से जो फार्मर्स की है इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे पास भी जो पहले के सीड थे जो हाइब्रिड नहीं हुआ है उससे मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ, और मैं तो ये कहने आया हूँ कि जितनी इनकम बढ़ी है हम थोड़ी और बढ़ा देंगे और खर्चा कम कर देंगे। ये हम भी प्रयोग करेंगे कि आप जो भी सहयोग देंगे, क्योंकि क्योंकि आप लोग ही जो है सारे लोग आपको देखते हैं एक उत्तर के रूप में, तो जहाँ तक आप आए, क्योंकि आप ही लोगों ने ये जो भी मैंने बताया ये भी आप में से किसी साइंटिस्ट ने कहा चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अस, तो वो चैलेंज तो हमने भी सोचा कि इस चैलेंज को कैसे दूर किया जाए। तो ये जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक आप ले आए, अब उसके बाद अगर सोचने का लगे कि भाई अब कुछ और करना चाहिए तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक और विजन है जो कि खाली मैं एग्रीकल्चर को नहीं देख रहा, मैं पूरे समाज को देख रहा हूँ, मैं आने वाले हमारे जो पीढ़ियाँ हैं मैं उसको देख रहा हूँ। जो भी आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स हैं, वो उसका एक पार्ट उसके अंदर रह जाता है, और वो केमिकल्स जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में हैं दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। आज जो डायबिटीज़ इतनी बढ़ गई है इसलिए क्योंकि सेल रिसेप्टर्स जो है वो ब्लॉक हो गए हैं, पेंक्रियाज
सेल्स वो डेड हो गए हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये जो केमिकल्स डाले गए हैं खेतों में, ये हमारे सेल्स के, बॉडी सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। तो इसलिए कुछ किसानों ने, जैसे आपने कहा ना मिसयूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, एक किसी प्रांत का मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वहाँ पर उसने गेहूँ उगाया और वो रिवार्ड लेना चाहता था, चैम्पियन ऑफ द ग्रेन्स, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई। लेकिन जब उसको टेस्ट किया गया तो इतनी ज़्यादा केमिकल रसायन की मात्रा थी कि उन्होंने कहा दिस इज़ मिसफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो उन्होंने कहा इसको फेंकना भी नहीं है, इसको गड्ढा खोदा गया और उसमें उसको बरी किया गया। तो किसान जो है वो तो सीधा है, वो तो जब देखेगा वो मिसयूज़ तो वो क्या मतलब, वो बेचारा तो करेगा ही करेगा। तो इसीलिए ये चैलेंजेस हैं, तो इन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जाए, तो मैं उसका जो है ये एक सॉल्यूशन आपको शिव योग दे रहा हूँ। आप इसको ज़रूर आप स्टडी करिए, क्योंकि आप जब स्टडी करोगे उसके बाद जब आप कहोगे किसान को तो उसमें एक तथ्य होगा। थैंक यू स्वामी जी। और एक जो अभी अभी चल रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ठीक है, तो बहुत सारे फार्मर मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक ही करना चाहते कर रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन उसकी इनकम और ये जब उसके पास में बैठता हूँ और समझना चाहता हूँ तो बोले कि अभी तो हमारे जो बच्चे हैं उसको भी हम नहीं पढ़ा पा रहे, 3-4 वर्ष। यही तो मैं बोल रहा हूँ, डबल से 8 गुना का आपको बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक अमृतस्य, और वेदों को भी जागृत करिए आपने मॉडर्न इसके एग्रीकल्चर के अंदर। और मैं तो कहता हूँ झंझट छोड़ो, ऑर्गेनिक के खर्चा छोड़ो, सब छोड़ो, मैं तो कहता हूँ सिंपल आप ये करो और कोई खर्चा करो ही नहीं बगैर उसके, जो है जैसे जैसे आपको लगे कि बगैर केमिकल खाद के अब आपकी ज़मीन तैयार हो गई है तो खर्चा ही नहीं है, खर्चा ही नहीं है, बीज का भी खर्चा ही नहीं है, उसने बो दिया, ना उसको पेस्टिसाइड डालना है ना उसको रसायन डालना है, और फसल डबल हो गई, उसका खर्चा 50% कम हो गया, मज़ा ही मज़ा है। तो ये आप रिसर्च करोगे, मैं तो आपके लिए एक केस स्टडी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो एक चिंता का विषय छोड़ के जाता हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेजेस में भी यही छोड़ के जाता हूँ, फिर वो रिसर्च पेपर आ जाता है तो बड़ी खुशी होती है उसके बाद। जी हेलो, लाइफ फोर्स एनर्जी है उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं? अभी बड़ा मुश्किल है, आपके पास उपकरण नहीं है। एक्चुअली जो है ये मल्टी डायमेंशनल वर्क है, हमें सिर्फ थर्ड डायमेंशन का पता है, लेकिन ये जो है थर्ड डायमेंशन में भी जो साउंड वेव्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, अभी हमारे पास वो भी इक्विपमेंट्स नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो यूनिवर्स के अंदर जब डिफरेंट डायमेंशन के ऊपर जो है हर डायमेंशन की अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, और ये एनर्जी है वो बेनिफिशियल माइक्रोब्स के ऊपर और जो हमारा बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं है हैजार्डियस माइक्रोब्स है दोनों के ऊपर सेम ही असर करेगी या अलग अलग असर करेगी? हाँ, जो हैजार्डियर माइक्रोब्स हैं उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगी, ट्रांसम्यूट, उसको एक शब्द हम बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव एनर्जी। तो वो जो हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो गायब, और ये जो बेनिफिशियल हैं, क्योंकि यही चीज़ जो हमें शास्त्रों में उन्होंने, जब साइंस नहीं थी तो उन्होंने बताया देवीय शक्ति और आसुरी शक्ति, आसुरी जो कि डिस्ट्रक्शन वाली और देवीय वो जो है कंस्ट्रक्शन वाली। ये इसके ऊपर मैंने बताया था यूरिन कल्चर जो है बैक्टीरियास, जो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन है ये लाइफ फोर्स एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी इसमें नहीं होता। तो वो जो बीज मंत्रों का जहाँ वो सीडी चलाई गई वहाँ 48 आवर्स में बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन 0% हुई, और जहाँ सीडी नहीं चली वहाँ 48 आवर्स में 120% बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हुआ। तो वो बेनिफिशियल होगा, इसीलिए मैंने कहा कि वो जो लाइफ गिविंग और जो हैजार्डियस माइक्रोब्स हैं, जो डिस्ट्रक्शन, जो नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो दे गो इनटू लाइट। अब जैसे किसानों ने वो बताया कि वो किसी की अरहर में
वो जो कीड़ा लग जाता है, इल्ली लग जाती है, मध्य प्रदेश में इल्ली बोलते हैं, तो वो लग गई सब तरफ। तो उसने जब ये शक्ति देनी शुरू करी तो एक सप्ताह के अंदर अंदर जो है 100% वो सुंडियाँ गायब हो गई उसकी। ऐसा नहीं कि वो मर के नीचे गिरी, दे वैनिश्ड, तो दे ट्रांसम्यूटेड इनटू पॉजिटिव एनर्जी। इसमें मेरे राहर में तुअर में इल्ली पड़ी थी, तो आजू बाजू वाले किसान बहुत परेशान थे तुअर से। बहुत ज़बरदस्त इल्ली आई थी अभी राहर में, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। बाबा जी ने जो मेरे को वैदिक शक्ति दी, मैंने अपनी राहर पे करीबन 2 कुरे की राहर पे 1.25 एकड़ की लगभग उस पर मैंने वैदिक शक्ति डाली, तो आजू बाजू वाले किसान जो थे हमारे वहाँ पे 95% इल्ली थी। ये अर्थात सत्य है, मैं सही बोल रहा हूँ। और मैंने जो वैदिक खेत मतलब वैदिक जो डाली उस पर वैदिक शक्ति, तो मेरे खेत में 5% थी और कुल मिला के मैंने 15 दिन रेगुलर काम किया। तो अभी आप चल के देख सकते हैं, जो उनको भी अगर मेरी बात पे यकीन ना हो उसको मैं दिखा भी दूंगा कि यह है मेरा यहाँ से खेत, और आजू आजू वाले खेत भी दिखा दूंगा, वहाँ पे सिर्फ फल्ली दिखेंगी आपको, छेदा बने फल्ली में। बगल वाला खेत उसकी वो सारी कुछ खा गए फसल, इसमें से उसकी हर हर बहुत अच्छी हुई उसकी। स्वामी जी नमस्कार। नमः शिवाय। I firmly believe that there is a still need of validation of indigenous traditional knowledge, as you are talking or saying. But I am a veterinary scientist. I want to ask regarding veterinary, what is the difference between milk of exotic cattle and Indian cattle? Can you throw some lights on that? The first thing is the why we are not adopting the Indian cattle, because they give lesser milk. Okay. Now, with the process of Shiva Yoga, if we can increase the milk production of our Indian cows equivalent to what we are importing, would we not be interested in that? और जो इंडियन कैटल है उसके जो हम्प होता है वो जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है साइंटिफिक जो है कि वो लाइफ फोर्स एनर्जी को एट्रैक्ट करता है, और आप उसको जो है वैज्ञानिक रूप से आप उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो आप टेस्ट करके देखना, जो देसी गाय हैं उसके जो न्यूट्रिशन है इट इज़ फार बेटर देन द अदर काउस। लेकिन अब उनके अंदर जो भी डिफरेंस है उनको हमें डिस्कार्ड भी नहीं करना। तो ये जो बोसोन पार्टिकल, जो गॉड पार्टिकल लेवल पे जब शिव योग को आप वो शक्ति को डालेंगे वो वापस रिवर्स होके एट द सेलुलर लेवल वो आएगी, जेनेटिक लेवल पे आएगी, तो आप देखोगे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जब किसान जो है जब अपने गाय के ऊपर वो शक्ति डालता है तो गाय बीमार नहीं होती, और गाय का मिल्क यील्ड जो है वो मिल्क प्रोडक्शन वो बढ़ जाता है। मेरी गाय पहले 2.5-3 लीटर दूध देती एक टाइम में, उसका दूध 0.5 लीटर आ गया था, कम गया था। उस योग की शक्ति गाय में छोड़ी तो जब से उसमें 2 ATM का 5 लीटर। आप खुद टेस्ट करके देखिए, आपके यहाँ डेयरी होगी तो अगर कुछ, लेकिन इसके लिए सिंसियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल लेवल पे तो आप नाप सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, उसके लिए उसको इमोशनली जो है ही हैज़ टू बी इन्वॉल्व, और वो अगर करेगा तो रिजल्ट्स उसको आएंगे। एज फार एज अ साइंटिस्ट, say for example, if you want to increase the yield ability or genetic potential, if you want to change the genetic makeup of any particular individual, the change has to be there at the molecular level. Say for example, there should be change in the DNA structure. Yes. DNA structure has to be changed. So I want to know, my submission is, if you go for the Shiva Yoga, so what happens that it changes the DNA structure? That's what I'm saying, that this universe, as I said, what I'm teaching is the process that the Shakti of Shiva Yoga which I give, I say send it to the sun, because the scientists they have observed that there is a particular life force energy which is there in the solar system. And the Shakti, the Kisan
who is empowered with Shiv Yoga, he is connected with the life force energy of very high dimension. In our devotional part, we call that Mahamrityunjaya. We can call it God. And the science now is not denying God. They have found the God particle. Now, the moment he is connected, the Shakti starts flowing, and when he sent to the sun and send it to the seeds, it penetrates not only at the DNA level. DNA is very gross, because there is something else which is controlling the DNA. Because DNA is the map of the seed. That is the map of the seed. But there is something called the guidance force which guides the DNA, because the cell has the nucleus, and the nucleus has the protein and the DNA. And DNA structure is the map of that cell or of that seed. And what should be the amino acid and the DNA structure? That is governed by some energy which define and which creates changes when the germination of the seed it takes place. And that is within that seed, and that is at the atomic level, because the atoms, they create those genes, and these atoms, they have different configuration. And this Shiv Yoga Shakti, it works at the subatomic particle, which we call it in the science is the consciousness. It is the cosmic consciousness. Now, what we have done, or whatever the scientist has done, he has tried to project his consciousness by creating a different genes or structure. Whereas the cosmic consciousness had created a seed differently. Now, when we send that life force energy at the consciousness level, at the God's particle level, even the subatomic particle, sub of electron, proton, neutron, because this is, when we are talking about seed, we cannot just restrict our knowledge up to the DNA or up to the genes level. We'll have to go up to the quantum physics level. And that quantum physics level, at certain stage, there is no solid particle. Because electron, proton, neutron is not a solid particle, it is an energy. And this energy, when it becomes very subtle, it goes to that deep level. And there is a communication, like Wi-Fi. The Wi-Fi is there. Okay, you have a cell phone. Can you see the sound which is coming to you? You cannot see the sound, but you can hear that after decoding it. And that is what I'm trying to say is that the sun or the cosmos, it is emitting a sound, and there are different sounds are there. And only the human being can tap that sound, either the sound of destruction or the sound of life-giving. And that is what we'll have to master it. In our olden civilization, the Maharshis or our Saptarishis, they had mastered this science. And now, when we are a healthy plant is there, like that farmer who is saying that so much of power is there. Now, if you go to his farm, and if you have those sound wave equipments, you will find those plants are going to emit different sound. And you go to another farm where so much of chemical fertilizer and all those things are given, they will have a different sound. And then the nature which gives life
the first and the foremost and the most powerful is the sun. Sun, water and earth. These are the three factors which are responsible for giving good birth to the plants. So once the, we extract that sound, it is a Wi-Fi communication. And from the sun, we receive a communication, give life. From sun, from the solar energy, we do not receive a communication, destroy life. It is give life. Tejomaya. And that is the moment we send, it is a message, it is a decoded message which is coded by the seeds, which is coded by the human soil, which is coded by the plants, and the results are in front of you. Even the agricultural university, they have studied and they have found ki uski gunavatta shiv yog ke beej ki sarvottam hai. It is because it is not only genetic level I have worked at subatomic particle, I have reached to the consciousness level, and I have conveyed a message which is a message of silence. जो किसान को भी नहीं मालूम, मैं तो उसको ये एक बीज मंत्र दे के जा रहा हूँ, जो कि वो डी कोड होगा तो वो जीवन देने वाला होगा, यू नो गिविंग लाइफ. तो वो जो है वो कार्य करता है, ठीक है ना. बाकी साइंस तो तब मानती है जब सामने हो जाए. तो इसीलिए हमने किसानों के साथ किया, रिजल्ट आ रहे हैं, आप भी खुद देखिएगा रिजल्ट आएंगे. तो आप भी इसके ऊपर और स्टडी प्लीज जरूर करिएगा जी. डॉक्टर डाबी. ओम नमः शिवाय. स्वामी नमः शिवाय. आई एम डॉक्टर डाबी, वीट रिसर्च साइंटिस्ट. सर, गेहूं की कटाई जो होती है यहाँ पर वो कंबाइन हार्वेस्टर से होती है, मतलब जो बाकी जो बचता है वो जला देते हैं खेडू. वो नहीं, जला देने के वजह से बहुत सारी नुकसानी होती है, सब जानते हैं फिर भी जला देते हैं. तो उसके हल के लिए, हम डिकेइंग के लिए जो माइक्रोब्स है उसे कैसे करें, वो एक्सपेरिमेंट में लेना चाहता हूँ ताकि बहुत सारे को फायदा हो, बहुत सारे. देखिए वो तो नेचुरल, आप जो है उसको जब आप जो भी प्रोड्यूस है उसको आप रख के, और उसमें जो वर्म्स हैं ये सारे दे आर हेल्पफुल माइक्रोब्स, वो करने से उसकी जो खाद है या उसको वो जो जुताई करेगा. देखिए अब इसमें एक जो वीड्स हैं, शिव योग का जो प्रयोग है इसमें वीड्स कम होते जाते हैं. कारण क्या है, जब फसल की कटाई होती है तो उसके जो बीज हैं वीड्स के वो सॉइल के अंदर रह गए डॉर्मेंट फॉर्म में. लेकिन जब वो प्रतिदिन 20 मिनट की साधना कर रहा है तो उसकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी, वो जो शक्ति है, उससे वो बीज अंकुरित हो जाएगा. जो वीड्स के बीज हैं वो अंकुरित हो जाएंगे. तो इसलिए मैंने कहा है कि एक जुताई आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी. आपकी जो कॉस्ट है, सारी कॉस्ट बच गई, एक जुताई की कॉस्ट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी. अब वो जो वीड्स जो ग्रीन हो गए उसको जब आप दोबारा खेत में जोत लगा देंगे, और ये जो कार्बाइन वाला जो हार्वेस्टिंग है उसमें जो तूड़ी और वो सब जो निकला है उसको जलाने के बदले अगर वो ट्रैक्टर से, वो हैरो से उसको एक बार जोत लगा देते हैं और ये आप बताएंगे उनको, तो वो खाद का रूप में काम करेगी. एंड दैट विल हेल्प, दैट विल नरिश, क्योंकि ये नरिशमेंट होगी जो हेल्पफुल माइक्रोब्स हैं उनके लिए जो है, और वो खाद बड़ी अच्छी बनेगी उसकी. स्वामी जी, वो तो हम कर ही रहे हैं, मगर क्या होता है कि जो मूंगफली हम लेते हैं अगली सीजन में, वो मूंगफली को जो इंटरकल्चरिंग वगैरह करते हैं तभी जो वो रेसिड्यूज होते हैं वीट स्ट्रोक है, वो काफ़ी अड़चन रूप होते हैं, और किसान को भी यही प्रश्न लगता है, और इसीलिए वो जलाते हैं. और जो खर्चा होता है खेड़े कल्टीवेशन का वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो जला देते हैं. जब उसकी प्रोड्यूस ज़्यादा होगी तो वो, आप अगर उसको गाइड करोगे तो वो उसको जुताई दोबारा करेगा. अब हर चीज़ में फ़ायदा फ़ायदा, जब फ़ायदा कई गुना हो गया
तो 5-10% और खर्चा करें ना वो जुताई के अंदर चाहे तो ये कर सकते हैं। हाँ जी नमस्ते भाई स्वामी जी, आपका जो शिव योग कृषि है मैं आपको उसका वाइस चांसलर मानता हूँ, ठीक है। उसको पॉपुलराइज करने के लिए मेरे मन में थोड़ा सुझाव है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ जी। आप ये कहते हो हम लोग यूनिवर्सिटी में ये सब एक्सपेरिमेंट करें और आपको रिजल्ट दे, कभी कभी हम मैं रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ, ये सब मेरे स्टूडेंट है मोस्ट ऑफ दी ऑडियंस, तो हमारे यहाँ जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सालों तक वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट भी हमारे फाइलों में रह जाते हैं, किसान तक नहीं पहुँचते, ये मैं आपको फैक्ट कह रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए कि आपके पास इतने बड़े साधक है पूरे इंडिया में, शिव योग के केंद्र भी है, तो आप एक काम कर सकते हो कि हर केंद्र में एक ग्रुप बने, वो ग्रुप गांव में जाए, पंचायत को सबको जानकारी दे के भाई आपके गांव में हम शिव योग का कृषि का प्रयोग ये 3 खेतों पे करने वाले हैं, आप देखना, तो पूरा गांव देखेगा। हमारा जो यहाँ रिसर्च का स्टेशन है वहाँ किसान सब देखने के लिए नहीं आते, अपने गांव में जाके यदि होता होगा तो सब देखेंगे, ये एक बात। दूसरा कोई ऐसा शिव योग फार्मिंग विलेज जिसमें पूरे गांव के सब किसान मिल के पूरे गांव की खेती को शिव योग देंगे और पूरे गांव की फसल कैसे आती है वो दुनिया देखेगी, ये दो बात। तीसरी बात पॉल्यूशन का 3 बड़ा मायना है, एक सोइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन, तो ऐसा ग्रुप बन सकता है कि एक ग्रुप है वो सोइल पॉल्यूशन पे काम करे, चाहे अपने गांव में भी एक है वो नदी पे काम करे, जो नदियां में अब हमारी मोस्ट ऑफ द नदी अब सूख गई है, तो एक ऐसा ग्रुप है वो उस पर ही काम करे कि भाई उसको जीवित कर सकते कि नहीं, एक ग्रुप है वो फॉरेस्ट पे काम करे कि हमारे जंगल खत्म हो गई है, हमारी जो हरियाली है वो खत्म होगी उसके काम करे, तो ऐसा आप कर सकते हो कि नहीं, ये मेरे मन में प्रश्न है। बहुत सुंदर आपने बताया और मैं इसको बहुत आदर से लेता हूँ आपके सुझाव को। आपको अच्छा लगेगा ये जान के कि मध्य प्रदेश में ऐसे गांव बन चुके हैं जो शिव योग गाँव है, और वहाँ पे जो आजू बाजू जो गेहूँ का उत्पाद, क्योंकि एक बरस से हमने शुरू किया है ये काम, उससे पहले स्कैटर्ड उसमें था, अभी ऑर्गेनाइज जो किया है, तो आजू बाजू के जो गांव है वहाँ 1 एकड़ में 11 क्विंटल गेहूँ उत्पाद होती है, और जो शिव योग गाँव है वहाँ पर 1 एकड़ में 22 से 23 क्विंटल गेहूँ होते हैं, बिल्कुल डॉल लगी हुई है। तो ये अंतर, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो थोड़े खेडूत तो आ जाते हैं, कुछ अभी सोचते हैं, दे सिट ऑन द फेंस कि क्या होगा। अब रिजल्ट इतने ज़्यादा आ गए हैं कि बुलावा आ रहा है, तो यवतमाल से मैं मध्य प्रदेश वापस जा रहा हूँ, इस बारी बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और दूसरा जो आपने कहा कि ग्राउंड लेवल पे काम करना, मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल और ग्राउंड लेवल दोनों पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि कल को ये जो विज़न है मेरा, 2-3 साल के अंदर विश्व भारत से कहेगा कि ये क्या हो रहा है, हमारे देश में आओ, इनवाइट करेगा, तब प्रधानमंत्री जी किसी खेडूत को थोड़ी भेजेंगे, वो तो आपकी यूनिवर्सिटी से ही बात करेंगे। तो जब तक मैं यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि अगर आधे साइंटिस्ट भी शिव योग को मान के एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे तो हमारा काम हो गया। वो जो जब भी कोई ज्ञान होता है, जब भी कोई विज्ञान होता है, वो धीरे धीरे शुरू होता है, एकदम ओवरवेलम रिस्पॉन्स
बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जितना मैं कर रहा हूँ इतना अगर साइमल्टेनियसली, क्योंकि दोनों चीज़ें विज्ञान और कृषि दोनों पैरेलल चलते हैं, और किसानों को क्योंकि अभी तो शक्तिपात मैंने दिया है, उनको कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ा है, लेकिन अब मैं तो और बहुत पूरे देश में चक्कर लगा रहा हूँ, तो बाकी जो किसान को शक्तिपात देना है उसके लिए 5 CD 5 दिवसीय साधना वो तैयार करी है, तो 4th और 5th दिन उसके हाथ से शक्ति प्रवाहित होनी वो शुरू हो जाएगी। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं तालुका लेवल पे, विलेज लेवल पे, वो किसानों को सहयोग देंगे, और जैसा आपने कहा बिल्कुल सही, आपका विज़न बहुत ही अच्छा है, हमें तो बहुत दिन लगे इस विज़न को लाने में, आपने तो आधे घंटे में हमें विज़न दे दिया, क्योंकि आप सभी के गुरु हैं। हाँ, तो जो आपने कहा कि एक हमने वो सेंटर के बदले हमने कहा कि विलेज में एक कमरा ऐसा बनाया जाए, और जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, इसको चार्ट के रूप में, पोस्टर के रूप में पूरे कमरे में लगा दिया जाए, तो किसान आते जाते वो देखे, और जो जो किसान का बेनिफिट्स हुए हैं उसके अनुभव वहाँ, तो वो एक दूसरे, वैसे तो गांव में खबर जो है वो फायर की तरह फैलती है, क्योंकि ये हमने देख लिया मध्य प्रदेश में। और दूसरा जो इन्होंने बताया एक कि वो जो कुछ जीवाणु दूसरों को खा जाते हैं तो वो आते नहीं हैं, हमारे शिव योग में ये देखा गया कि जो जानवर हैं, जहाँ शिव योग शक्ति का प्रयोग किया जाता है वहाँ जानवर नहीं आता उजाड़ करने के लिए, इसका अभी तक मेरे पास साइंटिफिक रीज़न रेलेवेंस नहीं है। उड़ीसा में कुछ किसान आए जिनके हाथी आके फसल खराब कर देते थे, वो कहते जब से शिव योग किया हाथी उनका खेत छोड़ के आगे चले जाते हैं। एक साधक के जिसको शिव योग की दीक्षा मिली थी, तो पहले उसके खेत में उसी समय बंदरों की टोली आई, कई 100 बंदर थे, सारी फसल खा गए, वो दुखी हो गया कि अब तो फसल नष्ट हो गई, अब क्या उगेगा, और उसने सोचा कि अभी शक्ति लेके आया हूँ करूँ तो सही, वो शक्ति डालनी शुरू कर दी तो उसी में से फुटाव हो गया और फसल फिर से खड़ी हो गई। और कुछ समय के बाद वो बंदर दोबारा आए टोली, लेकिन कहता है वो मेरे खेत में नहीं आए, पेड़ पे बैठे देखते रहे मेरे खेत को, लेकिन नुकसान नहीं किया। तो ये जो देवीय शक्तियां हैं, जो डिवाइन एनर्जीज हैं, अभी हमें एनर्जी के ऊपर काम करना काफ़ी बाकी है। ग्रॉस लेवल पे तो हमने कर लिया, जो शिव योग की टीचिंग्स हैं हमारी शुरुआती सूक्ष्म लेवल पे होती है। 5 शरीर हैं हमारे, और मेडिकल साइंस में मैंने जो उनको दिखाया अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर ही आधे घंटे में ट्यूमर गायब हो गया, सिस्ट गायब हो गया, किडनी स्टोन चला गया, तो फिर मैंने बताया कि मैं फिजिकल बॉडी पे काम नहीं कर रहा, मैं आप ही के प्रत्येक मनुष्य का जो सूक्ष्म शरीर है उस पे काम कर रहा हूँ। तो अभी US में जो डॉक्टर्स हैं वो 3 साल से कह रहे थे कि आप हमें शिव योग सिखाइए, तो मैंने कहा 7 दिन की छुट्टी ले सको तो सुबह से शाम का जो है पूरा एजुकेशनल कैरिकुलम होगा। तो वो जो 5 साल जो वो स्टडी करते हैं फिजिकल बॉडी का, उसका जो है कैरिकुलम उन्होंने दिया है कि एथरिक बॉडी, जो हमारा जो दूसरा शरीर है प्राणमय कोश, आप हमें उसका पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक्सपीरियंस और आगे की जो साइंस है वो सिखाइए। तो भारतवर्ष में ये शिव योग
डॉक्टर्स ने इसको नाम दिया है, उन्होंने कहा कि शिव योग इज ए साइंस, इज ए साइंस बियॉन्ड साइंस, ये फ्यूचर की साइंस है। और ये वास्तव में जो हम शुरू कर रहे हैं, जैसे जैसे आपके उपकरण विकसित होंगे, आप इसको वैज्ञानिक रूप से इसका उत्तर देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये कोई नया कुछ भी नहीं है, ये हमारे भारतवर्ष में वैदिक युग में हमारे ऋषियों ने सबने किया, और वो प्रार्थना करते थे, समय पे वर्षा होती थी, और जितना वो संकल्प करते थे उतना उनके गाय दूध देती थी। और ये हिस्ट्री कहती है कि इंडिया जो था वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व था, जो इंडियन सिविलाइजेशन थी, और लोग सीखने आते थे। जब सिकंदर जो है जहाँ जाता था चढ़ाई करने, तो अपने गुरु से पूछता था, उस देश से मैं क्या लाऊं तेरे लिए। तो जब इंडिया पे वो चढ़ाई करने आया, तो अपने गुरु से पूछा, मैं क्या तेरे लिए लेके आऊं? तो उसका उत्तर था, मेरे लिए ज्ञान लेके आना, द विजडम ऑफ इंडिया। तो वो विजडम ऑफ इंडिया जो है वो थोड़ा सा दब गया हमारे उसमें, और वो जो वेस्टर्न नॉलेज है, वी अप्रिशिएट वी रिस्पेक्ट वेस्टर्न नॉलेज, लेकिन उसमें दब गया हमारा एंशियंट विजडम जो है। तो शिव योग के माध्यम से ये कोई धर्म का प्रचार नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति का, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा ज्ञान है, जो कि हमारे जेनेटिकली हमारे अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो इस विजडम की है, हमें उसको एक्टिवेट करना होगा। तो ये शिव योग का विजन है, मेडिकल साइंस के माध्यम से, एग्रीकल्चरल साइंस के माध्यम से हम इसको दे रहे हैं। और ये जो आपने कहा, बहुत ही अच्छी बात कही, हमने विलेजेस ऐसे, हमने तो सच्ची बात, मैं तो क्रेडिट नहीं लूँगा, वो विलेज अपने आप बन गए अपने आप बन गए वो विलेज जो है, कुछ विलेज बन गए, कुछ में स्कैटर्ड उसमें हो रहा है। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर अब जो है, जैसा आपने कहा ये बिल्कुल सही है, इसको आप थोड़ा नोट कर लें कि यहाँ पर शिव योग विलेज जो है उसको बनाएं, जिसमें कि पूरे जो है, और आप लोग भी उसको मॉनिटर करें। अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करके जाऊंगा, जो कि क्योंकि जो बाहर जो काम होगा, मैं चाहता हूं साइमल्टेनियसली अगर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में होगा तो हमारी देश की मान्यता बढ़ेगी जो है। तो उसमें आपने क्या करना है कि हमारे शिव योगी, आप दो प्लॉट समय दे दीजिए आपके खेत में, आजू बाजू नहीं हो, एक दूर हो एक दूर हो। एक खेत में आप जो भी केमिकल फर्टिलाइजर है, जो कुछ भी है, आप वो सारा डालिए, एक हमें एज इट इज दे दीजिए, उसमें हम शिवयोग फर्टिलाइजर डालेंगे, ठीक है ना। हमारे लोग आएंगे और उसमें, उससे पहले एक महीना पहले हमें बीज दे दिए जाएं, जो भी बीज हैं आपके ऊपर छोड़ा, और वो सेम बैच का बीज जो है आप दूसरे फार्म में करेंगे, और वही सेम बैच का बीज जो है वो आप हमारे शिव योगियों को दे देंगे। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की एनालिसिस की फैसिलिटीज हैं, तो आप जो बीज हैं उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप उसको स्टडी कर लें, और एक महीना पहले जब आप हमारे शिव योगियों को वो बीज हैंड ओवर करेंगे, तो वो उस पे शक्ति डालते जाएंगे। दूसरा जो है सॉइल का, अगर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हो सके, तो आप एक महीना पहले जिस खेत में रसायन डालेंगे उसका, और उस खेत का जो शिव योग के लिए दिया है,
उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, वो जीव कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर हैं, इज ए वेरी माइन्यूट स्टडी, सटल स्टडी है, ये ग्रॉस लेवल पे नहीं है, बहुत माइन्यूट अगर स्टडी करेंगे तो आपको रिजल्ट आएंगे। एक महीना वो खेती करने से पहले वो शक्ति देंगे अपने जो शिव योगी हैं अपने फार्म के ऊपर, जो प्लॉट आपने उनको दिया है, उस समय एट ग्रॉस लेवल सॉइल का टेक्सचर आप टेस्ट करिएगा, आपको इतना आनंद आएगा कि वो जो सॉइल है फिजिकल टेक्सचर चेंज हो जाएगा, वो जो उसमें एक हार्डनेस थी या ड्राइनेस थी, जहाँ आप शिव योग की शक्ति दे रहे हैं वहाँ आप देखोगे कि सॉइल सॉफ्ट हो गई है और उसके अंदर वो ड्राइनेस खत्म हो गई है। अब ये कैसे हुआ ये आगे मैं डिस्कस करूँगा, अभी नहीं करना चाहूँगा, देर इज ए साइंस ऑफ दैट ऑल्सो। वी कैन प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम द ईथर, वी कैन प्रोड्यूस एनीथिंग फ्रॉम द ईथर, वो बात की बात होगी, पहले इसमें तो आपको विश्वास जगे, उसके बाद जो है तो आप उसको वो एक महीना ये करेंगे, वो दूसरा वो वहाँ तो आप जो भी खाद वाद जो भी डालना है, और एक महीना बीज को, और वो बीज जो एक महीना जिस पे शक्ति डाल ली है उसको आप दोबारा थोड़ा बीज सैंपल टेस्टिंग के लिए ले लेंगे, व्हाट इज़ द न्यूट्रिटिव वैल्यू, न्यूट्रिशन नापिए, उसका जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर उसको नापिए, दैट वुड बी चेंज्ड। अब वो बीज बो दीजिए, जब बीज बो दिया जाए तो अंकुरित जो अंकुर होगा एक सप्ताह में उसका साइज नापिएगा, एक स्टेज जहां आपने खाद डाली है उसका साइज क्या है, और जहां शिव योग शक्ति डाली है उसका साइज क्या है, वो स्टडी कर लीजिएगा। उसके साथ साथ स्टडी करिएगा कि कितने बीज परसेंटेज जो है जहां आपने खाद डाली है वो अंकुरित हुए, परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन, हाँ सीड जर्मिनेशन, और जो शिव योग की शक्ति जहां डाली है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीड जर्मिनेशन, ये एक स्टडी का आपका वो होगा। उसके बाद आप जो है जब तक वो पीरियड होगा हमारे शिव योगी वहाँ आएंगे आपके जो है अपने वहाँ बैठने की उनकी अगर व्यवस्था हो जाए तो वो शक्ति डालेंगे। जब फसल आए तो आप देखना कि मैच्यूरेशन पीरियड, कितने पीरियड में जो खाद डाली वो मैच्योर्ड हुई, और कितने पीरियड में जहाँ शिव योग शक्ति का प्रयोग किया गया वो कितनी मैच्योर हुई, उसके बाद उसकी क्वांटिटी नापिएगा। पहले बरस जितनी प्रोडक्शन हुई है, मैं आपको ये बताऊंगा क्योंकि पहले बरस उसके अंदर जो नेगेटिव इफेक्ट रह गए थे जमीन के अंदर उसको सजीव शिव शक्ति करेगी, शिव योग की, और हर बरस आप ये 3 साल का प्रयोग करिएगा, 3 years, हर साल शिव योग वाले खेत में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, और जहां आप केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं हर साल प्रोडक्शन आप ही बता दो क्या होती जाएगी, जहां खाद डालेंगे केमिकल वहां क्या होगा हर साल, यस और नो, डाउन होती जाएगी। यह आपने खुद देखना है, खुद स्टडी करना है, और उसके बाद जो आउटपुट है द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप, जो केमिकल फर्टिलाइजर डाले उसकी फिजिकल क्वालिटी क्या है, और जहां शिव योग शक्ति डाली खेती तो बड़ी बड़ी लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, वो आप उसको स्टडी करेंगे, और उसके बाद उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू या जो भी है, एक साल में जो रिजल्ट आएगा फिर वो शक्ति डालते जाएंगे, हम लोग तो पूरा साल उसके ऊपर काम करेंगे प्लॉट के ऊपर,
और फिर नेक्स्ट क्रॉप लेंगे, नेक्स्ट क्रॉप लेंगे, इस तरीके से आपके पास स्टडीज़ जो हैं। और फिर बाग ले लीजिएगा, एक एक बगिया हमें दे दीजिएगा, एक बगिया जो है आप जो है जो भी स्प्रे वगैरह करना है, तो एक कंपैरेटिव स्टडी आपकी वो हो जाएगी। और जो सीड्स है, जो हमारे शिव योग साधक हैं उनको सीड्स दे दीजिएगा, उसके ऊपर वो राउंड द ईयर पूरे बरस जो है वो शक्ति डालेंगे, तो उसकी जो गुणवत्ता है वो आप देख लीजिएगा। तो सीड प्रोडक्शन जो है, किसान को आप ट्रेन कर सकते हैं कि अपना बीज खुद बनाओ, लेकिन ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर वो चूक गया तो वो पूरा चूक गया, इसमें उसका पूरा फुल्ली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करके जा रहा। हाँ जी, नमस्ते बाबा जी। आपका जो कंसर्न है जीनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए वो बिल्कुल सही है। तो ये तो जो जीनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया उसके लिए तो शिव योग है ही है, पर जहाँ पर अभी तक कुछ बचा हुआ है हमारा जीन पूल, तो उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी अभी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट आया हुआ है कि जिसकी वजह से हम जो बचा हुआ है उसको हम बचा सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट एक्ट ले आई है। अब हम लोग काम करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो जैसे ये सारा अभी जीनेटिक मॉडिफिकेशन आया क्रॉप में, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हमारी भूख कैसे मिटे, इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। पर जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अच्छी प्राणवायु कहाँ से ले पाएंगे, O2 कहाँ से ले पाएंगे, क्योंकि अभी कोई ऐसा मशीन नहीं है कि जो CO2 को O2 में कन्वर्ट करे, वो पेड़ ही है कि जो वो कर सके जी। वो एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चल रहा है कि जिस पर बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रेशर है और उसी की वजह से फॉरेस्ट श्रिंक हो रहे हैं। तो हम लोग अभी फॉरेस्ट्री रिसर्च के फील्ड में अभी काम कर रहे हैं कि जो पेड़ हम लगाएं वो किस तरीके से अच्छे आ जाएं और फ्यूचर में बहुत बड़े ट्री बने कि जिसकी वजह से हमें ज़्यादा ज़्यादा O2 मिलता रहे, तो उस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। साथ साथ में हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री के फील्ड में भी काम करते हैं, क्योंकि जो किसान है, जैसे आपने देखा होगा पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। उस तरीके से यहाँ गुजरात में भी जो नॉर्थ गुजरात का रीजन है या तो साउथ का रीजन है जहाँ पर पानी अच्छा है, तो वहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत होता है। तो हम लोग उनको टीक के पेड़ जो है टिश्यू कल्चर लैब में बना के प्रोवाइड करते हैं। अब वो सारी लैब हमारी गांधीनगर, मतलब स्टेट हेडक्वार्टर में ही है। अब अभी कुछ समय से हमें पाया गया कि हमारी जो टिश्यू कल्चर लैब है उसमें अलग अलग टाइप के मे बी ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स कुछ पेस्ट के अटैक होते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो जो तैयार किया हुआ है प्लांट्स की जो अभी फील्ड में जाएगा वो काफ़ी नष्ट हो रहा है लाइफ फोर्स एनर्जी। हाँ, तो इसीलिए मैं जस्ट आपसे पूछना चाहता था कि ये हम शिव योग का जो है वो उसमें हमारी टिश्यू कल्चर लैब्स में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कि जिससे उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़े और ये डिस्ट्रक्शन कम हो। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो आपने बताया द कंसर्न कि जो हमारे ओरिजिनल जो प्लांट्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, एक्चुअल में जो फ्लोरा और फ्यूना क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो जो है डिस्टर्ब हो गई है, हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दी, जबकि इट शुड बी प्रिजर्व्ड। और जो मेन कारण है जो पेस्ट का अटैक हो रहा है, जो आप टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, बात वही आ गई, आपने कल्चर तो कर दिया लेकिन लाइफ फोर्स एनर्जी को भूल गए। तो जहाँ लाइफ फोर्स एनर्जी कम होगी वहाँ डिस्ट्रक्टिव माइक्रोब्स वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इट्स ए साइकिल, ये प्रकृति का साइकिल है। तो उसको करने के लिए अगर आप जो जो ये फार्मिंग बता रहे हैं, जो गड्ढे आप खोदते हैं, गड्ढे खोदने के उस खुदे हुए गड्ढे में 20 दिन तक आप शिवयोग शक्ति दीजिए, तो शिवयोग शक्ति जब आप देंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज बेनिफिशियल, और उस सॉइल की लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ जाएगी। वो हो गया। जो सैपलिंग्स हैं आप उसको प्लांट करने से पहले 20 दिन या एक महीना उस पर शिवयोग शक्ति डालें, उसके बाद उसको जब आप प्लांट करें तो केमिकल्स कोई ना डालें,
केमिकल्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कोई भी पेस्टिसाइड्स कुछ भी नेचुरल जो है नीम वीम डाल लें और जो भी और है वो सब डाल सकते हैं, इवन फिश बोन भी डाल सकते हैं, एनीथिंग कंसर्निंग नेचर नॉट प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। अब वो लगाने के बाद जब आप इसको शिव योग शक्ति देते रहेंगे तो बीमार नहीं होगा पेड़। और द बेस्ट पार्ट इज जो टीक आपको 20 साल में जो देता है आप देखोगे दे विल फास्ट ग्रोइंग। हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था रुद्राक्ष के पेड़ों पर, तो लखनऊ आश्रम में रुद्राक्ष के सैपलिंग ले आए, लोग हंस रहे थे ये नेपाल की तराई में होता है आपके यहाँ कैसे होगा, हमने देखते हैं तो हमने वो शक्ति डालना शुरू किया। महाकाल का मंदिर स्थापना करी थी उसके चारों तरफ और वो पेड़ जीवित रह गए, मरा भी नहीं कोई भी रुद्राक्ष का पेड़, और इतनी ग्रोथ हुई उसकी कि पता नहीं कितना ऊंचा चला गया और तीसरे साल ही जो है उसमें फल आना शुरू हो गया रुद्राक्ष का। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ये जो हमारी सोई हुई जो शक्तियाँ मैं जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ ये पूरे भारतवर्ष में जागृत होंगी तो आपके जो फॉरेस्ट्री का जो फील्ड है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो पर्यावरण नहीं होगा, तो इसलिए जो है ये आप इसके ऊपर प्रयोग करें तो जो ट्रीज हैं वो रिस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा करते हैं और उसमें से जो ऑक्सीजन के साथ साथ जो है वो प्राण ऊर्जा भी वो बहुत अधिक देते हैं और उनका टेक्सचर और उनकी क्वालिटी और उनकी ग्रोथ वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर आपके आसपास अगर इनके फॉरेस्ट्री वालों के यहाँ अगर कोई शिव योगी उधर भी जुड़ जाएं तो हम अपने पूरे देश का पर्यावरण जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड वी कैन टीच टू द वर्ल्ड। जी छोटी सी विनती है बाबा जी, जिस तरीके से आपने क्रॉप के लिए कंसर्न बताया है अपना, ऐसा हमारी लाइफ सेविंग जो ओटू है उसके लिए भी कंसर्न बताया कि कुछ फॉरेस्टर्स का इस टाइप का वर्कशॉप किया जाए कि जिसमें उनकी भी अवेयरनेस बढ़े और अल्टीमेटली पूरी ह्यूमन काइंड को फायदा हो। मैं बिल्कुल ये चाहूँगा क्योंकि मेरा कंसर्न तो पूरी मानवता, असल में सत्य क्या है जो ये जो सृष्टि पालन और संहार जो ये साइकिल शुरू हुआ ना, मैंने शुरू में कहा कि हम शिव योगी नेगेटिव बात नहीं करते पर कंसर्न की बात करता हूँ जो एक चैलेंजेस हैं, तो वो जो मेन चैलेंज ये है कि हम प्रलय की तरफ पृथ्वी को लेकर के जा रहे हैं, वी आर टेकिंग द प्लैनेट टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, और वो हमारा जो एक सेल्फिश और ईगोसेंट्रिक बिहेवियर है। तो दोबारा से एक देवीय ऊर्जा को जागृत करना आवश्यक है। जो मेरा बर्निंग इशू जो शिव योग में कि नदियाँ पोल्यूटेड हो गई हैं और ये खाली फैक्ट्रियाँ नहीं, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इज आवर एग्रीकल्चरल फील्ड्स, वो जो रसायन डाले हैं वो धुल के नदियों में जा रहा है और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ से हो रही है, आप समझ रहे हैं ना। दूसरा जो मैंने फैक्टर बताया था कि अगर आपके पास कुछ इक्विपमेंट्स हों तो जितने भी खेत हैं आप देखोगे वहाँ से एक गैसेस एमिट, दे आर एमिटिंग गैसेस विच आर इंटरफेयरिंग विद द ऑक्सीजन एंड ओजोन। तो कितने भी पेड़ लगा लो आपकी जो प्रोडक्शन ऑफ नॉट ओनली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बट अदर पॉइजनस गैसेस आप पर्यावरण में वो भी आप पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए जो है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर टू सेव द ह्यूमन काइंड। तो नदियों को बचाना है और वो जो एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, तो जैसे किसी ने बताया कि वो
महाराष्ट्र में जो यज्ञ की बात करी, इट इज साइंटिफिक, क्योंकि वो जो मंत्रोच्चारण और वो जो स्मोक है जो आप आहुति देते हैं, एक तरफ तो ये स्मोक है केमिकल्स का जा रहा है जो कि पूरे मौसम को ही डिस्टर्ब कर दिया है, और यज्ञ जो है उसकी आहुतियों से जो वाइब्रेशंस जाती हैं वो एक एटमॉस्फियर क्रिएट करती है कि बारिश और ये सारा कुछ हो। मैंने भोपाल में बहुत सारे साधक थे तो उनको ये सिखाया था कि बारिश कैसे लाई जाए। दो दिन लाए थे हम लोग बारिश, जबकि मौसम विभाग ने कहा था कि इस साल एकदम सूखा रहेगा। सो इट इज़ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इट इज़ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज़ द सब्जेक्ट विच वी हैव टू स्टडी, एंड दैट इज़ अवर ओन सब्जेक्ट, हमारी भारतीय संस्कृति का ये सब्जेक्ट है। जी जी, एक भी नदी में पानी वो सूख इसीलिए रहा है कि ये देखिए प्रकृति जो कुछ देती है ना वो पर्पस के लिए देती है। पानी जो है तो जलचर के जीव उनके रहने के लिए है। आप जलचर के जीव मार दोगे तो नदी क्यों चलेगी, पानी की क्या जरूरत है। मछलियां मार दी आपने पॉइजन करके एंड दे आर ड्राइंग अप, यू नो वी आर मिस यूजिंग द एनवायरमेंट। अगर हम प्रकृति के साथ हम प्रकृतिक हो जाएं, ये एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अगर हमारा हो जाए तो हमारे पौराणिक समय में जो प्रेयर्स थी इट इज़ ए इंटेंशन, और ये इंटेंशन एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, वो वाइब्रेशन वो यूनिवर्स के अंदर जाती है। अभी हमने प्रेयर्स तो भूल गए, हम तो क्रिटिसिज्म हमें आता है, हम हर चीज़ का विवाद कर सकते हैं, लॉजिक माइंड, हम लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड कम्युनिटी हो गई है। जो ब्रेन है ना टू हेमिस्फीयर है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, सभी का सिर्फ लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है, तर्क कर सकते हैं, तर्क जीत भी लेंगे, और क्रिएटिव ब्रेन जो राइट ब्रेन है वो एक्टिव ही नहीं है। एंड लेफ्ट एंड राइट जब एक्टिव होता है तब उसके बाद कॉन्शियसनेस एक्टिव होनी शुरू हो जाती है, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी। तो अभी हमारे स्कूलों की स्टडी भी जो है लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड है, क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है। तो आप ये करो, और मैं नेक्स्ट साइकिल में जब आऊँगा नदियाँ में पानी भरूँगा मैं आपके जो है, ये आप देखो आप, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता, इट इज़ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एफर्ट होगा, और आप देखना अगर ना होए तो मेरे को बोलना। Bless you. जी नमस्ते बाबा जी। आप यहाँ पे जो आए ये जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी में, उसमें आपने जो एनर्जी का जो भी है वाइब्रेशनल एनर्जी या ओम टू एटम थियरी के मुताबिक जो भी है, जैसे हम बायोकेमिस्ट्री में मैं पढ़ा हूँ उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन उसको डिग्रेड करके क्या मिलता है CHON, इसके बाद कार्बन को ब्रेकेज करके क्या मिलता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, आपने जो पूरा थियरी समझाया जो रियल थिंग्स है, और वो मैं सेल्फ एक्सपीरियंस भी किया है, मेरी थीसिस में भी है फर्स्ट पैरा में एब्स्ट्रैक्ट जो हम लिखते हैं ना उसमें फर्स्ट पैरे में मैंने अपना जो प्रीफेस देते हैं उसमें महामृत्युंजय का पूरा दिया हुआ है, जो मैं PhD 2008 में हुआ, आपका संगम 2009 दिसंबर तक मैंने आस्था चैनल में देखा था, इसके बाद यहाँ से शुरुआत हुई। अभी आप यहाँ आए हैं तो आप जहाँ जिस धरती पे मैं काम कर रहा हूँ या तो ऐसे आशीर्वाद दे के जाए कि यहाँ से ये पूरी यूनिवर्सिटी में से जो भी नेगेटिव एनर्जी है जो भी वाइब्रेशनल ऐसी जो भी है वो सब निकल जाए। शिव योग एक, और दूसरा चाहे कुछ भी हो इसका रिजल्ट जो भी है नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होगा वो मेरे को तो पूरा मतलब विश्वास है, लेकिन
हमारे जो किसान की आज की हालत है, जो साइकोलॉजिकल माइंड ऑफ दैट पीपल, दैट कैन बी चेंज थ्रू दिस ओनली डिवाइन प्रेजेंस ऑफ योर शिव योग. दैट आई ऐसा मैं समझता हूँ कि कुछ भी ना हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर जो आदमी हमें फूड पैदा करके देता है उसका माइंड सेटअप ठीक होगा तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो निकलेगा. चाहे ये प्रेजेंस में ग्रोथ बढ़े कि फर्टिलाइजर बढ़े कि ना बढ़े कि उसमें इकोनॉमिक कुछ भी मिले या ना मिले, लेकिन ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ. ये रिवॉल्यूशन तो कि जो आएगा. किसान है उसका स्ट्रेस रिलीफ, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, और जो वो 20 मिनट ये मैं उनको एक्चुअल में ये खेती बढ़ाने के तरीका भी बता के जा रहा हूँ और साधना भी बता के जा रहा हूँ. ये वो साधना जब प्रतिदिन करता है, ये तो अभी कृषि के फायदे बताए. अब जैसे यू आर कंसर्न अबाउट द फार्मर्स, तो उनका बेनिफिट जो है स्ट्रेस रिलीज होता है, और स्ट्रेस भी एक बड़े हाई लेवल पे होता है अगर वो 20 मिनट की साधना करता है. ये स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस रिलीज तो एक बहुत छोटा सा बेनिफिट है, उसके साथ साथ उसके अंदर जो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस हैं पास्ट के वो रिलीज होंगे, उसकी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होगा. दैट इज अनदर बेनिफिट जो कि किसानों को मिलने वाला है. उसके साथ साथ जो केमिकल्स के साथ वो खेल रहा है, अभी हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां कैंसर के पेशेंट्स गांव के अंदर मैक्सिमम हो रहे हैं. कैंसर इज इंक्रीजिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स वो इनहेल कर रहे हैं वो. तो उनका स्वास्थ्य जो है, जब प्रतिदिन 20 मिनट की वो साधना करेगा, और ये महामृत्युंजय की साधना है, तो उसका स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा होगा. और ये आपने जो बायोकेमिस्ट्री का ये स्टडी किया, मैंने वही बताया कि जो भी कुछ क्षेत्र है उसको होलिस्टिक इन टोटालिटी एज ए होल, खाली एग्रीकल्चर ही नहीं, उसके अंदर जो है बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स, ये सारे, क्योंकि जो आगे की जो साइंस है, आगे कभी और मौका मिलता तो मैं आपको और आगे बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज़ बता के जाता हूं कि शिव योग में हम किसी मनुष्य को एज ए ग्रॉस नहीं देखते. प्रत्येक मनुष्य जो है इट्स ए फ्लो ऑफ एनर्जी, इट्स ए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी. क्योंकि अगर साइंटिफिक स्टडी आप कर लें तो जो एक मनुष्य है वो स्थूल नहीं है, जो हमारा योग बोलता है वो सूक्ष्म है. अब उसको फिजिक्स के लेवल पे देखते हैं, अगर हम एक मनुष्य का शरीर तोड़ें, ऑर्गन्स मिल जाएंगे, ऑर्गन को तोड़ें सेल्स मिल जाएंगे, सेल्स को तोड़ें एटम मिल जाएगा. अब मैं एटम्स को इकट्ठा करता हूँ तो एक मनुष्य के एटम्स को मुझे स्टोर करने के लिए कितनी स्पेस चाहिए? 0.00001%, इतना सा, इतनी सी में पूरा एक मनुष्य जो है 6 फुट का, 5 फुट का, ये मैं यहाँ स्टोर कर लेता हूँ. अब अगर मैं एटम्स को दोबारा तोड़ देता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, दे आर नॉट सॉलिड पार्टिकल, दे आर एनर्जी, आई डोंट नीड ए स्पेस टू स्टोर. और उसी तरीके से जो मनुष्य है, अगर आप उसको क्लोज माइक्रोस्कोपिक आप क्लोज लेते जाते हैं तो यू विल फाइंड इट्स एम्प्टी स्पेस. एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी, इट्स ए फ्लोइंग एनर्जी. और जहां वो एक डिवाइन एनर्जी रुक के नेगेटिव एनर्जी आती है, देर इज ए ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ एनर्जी. सेम इज व्हाट वी सी एट द प्लांट इज इट्स ए फ्लो ऑफ एनर्जी. And the moment there is an obstruction in the flow of energy, then the problem starts. तो जो आपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये बिल्कुल शिव योग इसको 100% मानता है.
शिव योग याद रखना, शिव योग इज ए साइंस बियॉन्ड साइंस, और हमारा जो पढ़ाई का तरीका है, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, मैंने शायद ही कोई किताब पढ़ी होगी, सच्ची बात तो यह है मैंने शायद ही कोई शास्त्र पढ़ा होगा। मेरे गुरु ने एक ही चीज़ कही थी, यू बी द बुक एंड यू बी द रीडर, ओनली देन यू शैल फाइंड द ट्रुथ। तो कोई किताब नहीं पढ़ना, क्योंकि वो उसका दिमाग उसने उल्टा हुआ है उसके अंदर। तो उन्होंने कहा क्या करूं, कि चौथे शरीर में प्रवेश करो। तो चौथे शरीर में जब मैंने प्रवेश करना शुरू कर दिया, तो जब मेडिकल डॉक्टर से मिलना होता है तो आई डाउनलोड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाउड। देर इज ए इंफॉर्मेशन इन द क्लाउड, इन द कॉस्मिक क्लाउड। अब एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के पास आया हूँ, मैंने कोई एग्रीकल्चरल साइंस नहीं पढ़ी, आई डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन एंड आई, और मैंने वो साधना करी, वो ध्यान किया, वो पौधों का वी कम्युनिकेट। मैंने बोला कि हर किसी के अंदर से वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, दे एमिट द साउंड, तो आपको डी कोड आना चाहिए कैसे करना कि वो साउंड क्या है। तो हम उसको डीकोड करते हैं और वही चीज करके जो है मैं जो भी बोल रहा हूँ वो इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैं तो बातचीत करके आ रहा हूँ, मैं अनुभव करके आ रहा हूँ, इसलिए आपको वो बहुत कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इसको करिए। जी मैं वैसे तो मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ। मैं क्या सोचता हूँ, आज के समय में चाहे सामान्य लोग हों या हम साइंटिस्ट भी, नेचर के साथ रहना नहीं चाहते। अच्छी चीज़ें चाहते हैं पर नेचर के साथ, मैं यहीं हमारे कैंपस में ही बोलता हूँ, मैं कैंपस में कुछ चीज़ों का शुरू से विरोध करता आया हूँ, लेकिन मेरे को भी करना पड़ता है। जैसे जो ग्रीनरी है, वीड्स कहते हैं, हम वीड्स हैं पर वो ग्रीनरी है। हम बात करते हैं कि हमारे वाटरवेज होने चाहिए, वेजिटेटिव होना चाहिए, वेजिटेटिव वाटरवेज, जितने छोटे छोटे वोकड़े बोलते हैं गुजराती में, नाले होते हैं, उनमें वेजिटेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जैसे आपने अभी कहा, तो ही उसमें जलचर होगा, तो ही उसमें रेप्टाइल्स होंगे, तभी जीवन होगा। पत्ते जहाँ गिर रहे हैं, उन पत्तों को आप झाड़ू लगाकर निकाल के बाहर फेंक के आ जाओगे, वहाँ के सॉइल नहीं इम्प्रूव होगी। उनके साथ वो पत्ते जहाँ हैं वहीं के वहीं हमें उनको, अगर हम चाहें तो जोत सकते हैं, जैसे आपने कहा कल्टीवेटर चला दो, पर थोड़ा बहुत तो पत्ता दिखेगा। वो देखने की आदत हमें नहीं है, हम सफाई चाहते हैं, साफ कर दो ये वेजिटेटिव वाटर वे, साफ कर दो, एक भी ग्रीनरी नहीं रहनी चाहिए। पहले हमारे पास लेबर थे तो लेबर से साफ हो जाता था, अब लेबर नहीं है तो वीडीसाइड छिड़क दो। इतना ज़्यादा वीडीसाइड, इवन हमारे कैंपस में 1000 लीटर से ऊपर का वीडीसाइड सिर्फ छिड़क के हम ग्रीनरी खत्म करने की कोशिश। आप इस पे संकल्प वो पानी ले में, वो हमारे ग्राउंड वाटर में जाता है जी, जो हमारे ग्राउंड वाटर में जाता है, जो हमारे ही कैंपस का ग्राउंड वाटर है उसमें ये रेजिड्यू पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स खत्म हो गए साहब, इसी कैंपस में एक वीक में, या शाम के वक्त कोई चलता हुआ जाए और उसको सर्प नहीं दिखे, ऐसा कभी होता नहीं था, आज सर्प दिखता ही नहीं है कहीं, क्योंकि इतना वीडीसाइड डाला, इतना वो खत्म हो गया, ग्रीनरी खत्म कर दी, सारे वोकड़े साफ होना चाहिए, एकदम साफ दिखना चाहिए, एकदम ग्रीनरी नहीं होना चाहिए, पत्ते पूरे निकाल दो, झाड़ू लगा दो, फेंक दो, क्या कहना, सफाई के नाम पे या अपने को आइसोलेट करता जा रहा आदमी, और वीडीसाइड हजारों लीटर डाल रहा, उसका रेजिड्यू ग्राउंड वाटर पे भी आया, वो हम पी रहे हैं, इफेक्ट तो आएगा ही, कहाँ जाएगा। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक्चुअल में जो हम पानी पीते हैं, हम बोलते हैं ज़ीरो बैक्टीरिया वाटर। मैं पूछता हूँ, ज़ीरो बैक्टीरिया तो है पर इसमें केमिकल्स कितने हैं वो बताओ, तब हम शर्मा जाएंगे, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि देर इज़ सो मच ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन आवर वाटर, और वो केमिकल जो है वो लोगों की बोन्स जो खराब हो रही हैं आजकल, जो IQ लेवल कम होता जा रहा है, जो मेमोरी कम होती जा रही है, जो बॉडी रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज केमिकल्स
आप एक चीज और देखना, अभी मैक्सिमम लोगों को B12 डेफिशिएंसी होगी, और B12 डेफिशिएंसी जो है ये दिमाग पे काम करती है। अभी जैसे डिप्रेशन एक बीमारी आई थी, अब एक और नई बीमारी घर घर चलेगी और वो है अल्जाइमर, वो याददाश्त खोजना का बड़ी जल्दी। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वीड्स को केमिकल्स के द्वारा ख़त्म ना करो। प्लीज़ डू नॉट यूज़ द केमिकल्स अननेसेसरली। नदियों को सुखाने का यही कारण है, ये नेचर है। मैंने फिर बताया, प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, जहाँ हम इस साइकिल को ब्रेक करेंगे वहाँ हम ख़त्म हो जाएंगे। आने वाले टाइम में अनरेस्ट हो जाएगा, लोग मारेंगे एक दूसरे को, पीने को पानी नहीं मिलेगा। मैंने तो कहा कि मैं तो 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, आप जो है इसको सीख जाओ। ये इज अ कॉल फ्रॉम द गॉड, मैं माध्यम हूँ, भगवान शिव आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। रास्ता वो जो दिखा रहे हैं मुझे, वट एवर आई एम सीइंग, आई एम टेलिंग एवरी वन ऑफ यू, आप ज्ञानी हैं। मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो जोगी हूँ, तो जो मुझे दिखता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर अपना लेना, ना लगे तो जो शिव आ गया। ब्लेस यू, नमस्कार। पर केमिकल्स बंद कर दीजिए, प्लीज स्टॉप द केमिकल्स। अगर आपने अपने आप को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, जीवन को बचाना है और प्रलय नहीं लाना चाहते, तो पॉइजन का स्प्रे ये आप संकल्प ले लें, इसको बंद कर दें, आप मत डालें। स्वामी जी, हमारे पास हर एक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, तो आपने जो बताया तो उस जिस डिस्ट्रिक्ट में शिव योग की दीक्षा ली है, यदि वो चाहे तो हम केवीके के ऊपर हमारा जो फील्ड है आपको देंगे, और हम भी उसमें जो हमारा तरीका है उससे हम स्टडी करेंगे, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर में ये स्टडी होगा। और हमारे साइंटिस्ट भी है यहाँ, कोई चाहे तो अपना जो सीड प्रोडक्शन आप लेते हैं जिस क्रॉप का है उसमें चाहे तो जितना छोटा सा जितनी जो लैंड चाहिए थोड़ी है उसमें से ये योग का प्रयोग करेंगे, और अपनी जो सिस्टम है वो तो चलती ही है, कंपेयर करना है किसी को तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो केवी केस है तो डिफरेंट प्लेसेस पे हम ट्राई करेंगे। और दूसरा मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो किसान कल आए थे उसमें से कौन कौन किसान वो कर रहे हैं उस वहाँ भी हम विजिट करेंगे, मुलाकात करेंगे, वो उसका कहाँ कैसे चलता है, कितना वो यील्ड आ रहा है, कितना बढ़ रहा है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, उसको कोई और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और एक चीज़ वो भी देंगे। एक चीज़ का और डॉक्यूमेंट करना कि जब प्राकृतिक आपदा आए, हाँ, तो आप टेस्ट करना कि जो शिव योग खेत है उस पर कितनी प्रोटेक्शन हुई, वो भी आपको एक बड़ा अच्छा। ओलावृष्टि हुई जहाँ, हाँ, भी, तो शिव योग फार्म जो है वो उनके तपोबल से बच गए। इस साल यहाँ जो हमारे आम के पेड़ है ना उसमें 4 बार ये अनसीजनल रेन हुआ, गोलाबारी हुई, तो उसमें बहुत डैमेज हुआ है, तो वो भी देखेंगे। वो आप देखिएगा उसका जी। ओके, ये आपका बहुत धन्यवाद, ये तो बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा आपको। नमस्ते भाई बाबा जी, जी मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ मैं गुजराती में बात कर सकूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे को थोड़ा कम समझ आएगा, हिंदी में जैसा बोल। अच्छा, नमस्ते भाई बाबा जी। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं तलाला से हूँ, मेरा नेटिव है, और मैं बाबा जी का साधक हूँ। 2010 में मुझे बाबा जी के द्वारा उसकी कृपा हुई और मुझे संजीवनी की दीक्षा मिली। तब मेरा फार्म है, मैंगो का फार्म है, लेकिन हम लोग राजकोट सेटल है, तो साल में एक दो बार जाते हैं और सीजन के आम खाने के लिए ले आते हैं। मैं जब ये बाबा जी की जो मंत्र दीक्षा मिली
तो जहाँ पे मैं राजकोट में रहता था वहाँ पे एक वो देसी गुलाब होता है ना, उसका एक छोर था 6 फुट था, तो मैं देखता उसमें कोई हाँ वो फ्लावर होते ही नहीं थे। मेरा टाइम था बाबा जी, उसमें लिफ्ट नहीं थी, तो मैं ऐसे जब सीढ़ियों से नीचे उतरता था तो वो सामने दिखता था। तो साधना करके फिर मैं अपने काम के लिए निकलता था, तो वो जो बीज मंत्र है वो ऐसे ही तब से सीढ़ी हाँ चलता था, तो मैं ऐसे ही देखता था उसको। फिर मुझे ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ कि मैं फिर रोज देखता था, तो साधना के बाद भी मुझे वो दिखाई देता था। 10-11 दिन में उसमें एक एक पत्ते पे फूल था। अरे वाह। और उसके बाद मैंने सोचा कि भाई ये यहाँ पे हो रहा है तो मेरा अपना फार्म है। तो 4 साल में अभी इस साइड मैंने इस साल मैंने कोई भी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया, और जो भी हर साल होता था उससे 70% है, ऑलमोस्ट 4 साल में 3 गुना हो गया है प्रोडक्शन। और पेस्टिसाइड मुझे, मैं फार्मर नहीं हूँ पहली बात, वो मेरा जो वहाँ पे काम करता है वो मुझे इस साल कोई ज़रूरत नहीं अनिल भाई पेस्टिसाइड की, कोई बात नहीं। 2 साल के बाद मुझे पता चला कि ये तो ये चमत्कार हो रहा है, 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया। और उसका टेस्ट है ना वो चेंज हो गया। फिर नरसिंहपुर में जो पहला शिविर हुआ था बाबा जी, फलों में मिठास ऐसी हो जाएगी कि सामने से वो बोलेंगे कि शिवयोग वाला मैंगो चाहिए। नरसिंहपुर में जो पहला शिविर हुआ था तो हाँ। मैं गुजरात में से 20 किसानों को लेकर वहाँ पे गया था, और तलाला में 2-3 फार्म ऐसे है यहाँ से 70 किलोमीटर के, प्योर कम्प्लीटली शिवयोग फार्म है, जब भी चाहे मैं विजिट करवा सकता हूँ। और बहुत ही अच्छी कंडीशन है इस साल, वरना मैंगो के ऊपर तो वो फेसबुक में हार चढ़ गया है। जे एम मानो ने कि जनरली 70% नुकसान है तलाला विस्तार એમાં નથી એડ્રેસ ને મને આપજો ને અમારા સાઈન્ટિસ્ટ હું સાથે આવીશ એની ટાઈમ ગમે ત્યારે તમે મને કોલ કરો હું રાજકોટ થી તાલાલા ગીર સોમનાથ ડિસ્ટ્રિક્ટ માં 15-20 બાબાજી 15-20 મેને સપ્તસતિ શિબિર કરવાયા હે ઓર અભી યે શિબિર કે બાદ મે સભી જગહ યે 5 દિન વાલા લેકે ઘૂમને ઘૂમતા હું બહોત અચ્છા ખૂબ સરસ બહોત સે એસે શિવયો ફાર્મ हो गए हैं। वो फोटो आई, वो घिया का साइज जो है उसका कंधे के जितना लंबा था, और बिल्कुल पतला कच्चा सा जो है घिया, और इतना फल हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि ये दूसरे ग्रह से सब्जी है कि पृथ्वी ग्रह का है ये सारा जो है, तो ये सब हो रहा है बाबा जी। कुछ न कुछ करने के लिए जो हर क्षण चलता रहता मन है, उस कुरुक्षेत्र में आज अपने ऐसे बीज बोए हैं उसको पनपना ही है। आपकी बड़ी कृपा रही आज, कैसे हम वो व्यक्त करें वो मैं नहीं जानता, लेकिन एक्सपेरिमेंटल साइंस को एक्सपीरियंशियल साइंस के साथ जोड़ना एक बड़ी क्रांति है जिसकी शुरुआत आपने की है। आपने जो बीज बोए हैं हमारे विचार क्षेत्र में वो तो बड़े होंगे ही, आपने जो सुझाव दिए हैं, जो एक्सपेरिमेंट दिए हैं, जो समझो जैसे आपने हमें होमवर्क दिया है वो हम करेंगे, जैसे हमारे डॉक्टर पारखिया साहब ने कहा, और वाकई हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं। हम हमारी कृतज्ञता आपके पाँव में पेश करते हैं, नमस्कार करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच एतलबेन। हमारे जो यूनिवर्सिटी ऑफिसर सब बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, आपने जो इंटरेक्शन में भाग लिया सबका बहुत बहुत आभार। बाबा जी की शीतल वाणी से हम प्रलवित हुए हैं, वो शीतलता हमको बहुत भाई है, और हम भाव प्रकटन करते हैं, हम हमारी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं बाबा जी को। जय शिव जी। नमस्कार। शिव योग की साधना जब वो खेतों में करते हैं तो किसान भी स्ट्रेस फ्री होता है, उसके रोग प्रतिरोधक शक्तियाँ बढ़ती हैं, जिससे वो भी बीमार होने के उसके चांस कम हो जाते हैं। और शिव योग की साधना जब पशुओं पे करते हैं तो पशु जो है, गाय का दूध बढ़ता है, गाय बीमार नहीं होती,
और गाय का जो लैक्टेशन पीरियड है, दूध देने का जो पीरियड है, वो लंबा हो जाता है और वो बांझ नहीं। तो ये, और उसी के साथ साथ हमने ये प्रयोग भी करने जा रहे हैं कि वही देसी गाय उसको 20-25 लीटर का दूध देने वाली हम शिव योग के द्वारा इसको बना सकें। अभी जो आम की फसल या और जो फलदार पेड़ जो है वो फूल झड़ रहे हैं, वो जो प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ जहाँ शिव योग फार्म हुए हैं वहाँ पर फलों का उत्पाद बिल्कुल बढ़िया हुआ है, कोई भी फूल झड़ा नहीं है और सारे फलों में परिवर्तित हो रहे हैं और सारे वृक्ष फलों से लदे हुए हैं और फलों में एक विशेष प्रकार की मिठास, एक स्वाद बहुत ही अच्छा उस शिव योग फल में आ जाता है और कीड़ा नहीं लगता। जहाँ शिव योग फार्मिंग होती है वहाँ कीड़ा बीमारी उसे नहीं लगती और ये सब होने से हम प्रदूषण को रोक पाए। आज नदियाँ जहरीली हो रही हैं और सूख रही हैं क्योंकि रसायन घुल के धरती से, खेतों से नदियों में जा रहा है। जब ये रसायन का छिड़काव ही नहीं होगा, हमें तो फसल बढ़ानी है ना, किसानों को फसल बढ़ानी है, उनका खर्चा कम करना है और उसी के साथ साथ जो है पर्यावरण को वो इससे दोषों से मुक्त करना है, जिससे समय पे बारिश हो, समय पे सब कुछ अच्छा हो। ये शिव योग के माध्यम से हम अचीव कर पाएंगे। जहाँ जहाँ नए नए बाग लगे हैं वहाँ पर जो भी सैपलिंग्स हैं उनको, पौध को जब शिव योग की शक्ति दी और गड्ढों में शिव योग की शक्ति दी तो वो जो है वृक्ष भली भांति वो पकड़ गए और मोर्टैलिटी वहाँ बहुत ही बेसिक जीरो लेवल पे, और किसान जो है वो अब अपना बीज वो शिव योग की शक्ति डाल के स्वयं बना सकता है। जबलपुर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में इसका प्रयोग किया गया और उन्होंने बताया कि जो शिव योग बीज है उसकी गुणवत्ता बाकी जितने भी महंगे बीज है उससे कई गुना है, तो ये फ्री हो जाएगा उसका खर्चा जो है और फसल बढ़ेगी और फिर वो ऑर्गेनिक फसल होगी तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।